हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन बात करते हैं डीटीएससी 9 में मैथमेटिक्स के थर्ड पेपर की, और ये पेपर है पेपर सेकंड जेई एडवांस। ठीक है, तो माय सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन फर्स्ट। देखो सेक्शन ए के क्वेश्चन फर्स्ट में इसमें टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन सिंगल चॉइस के हैं और 4 क्वेश्चन में क्या है 2 पैसेज है 2x2 के। ठीक है, सेकंड सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस के, मल्टीपल चॉइस का मतलब मोर देन वन आंसर करेक्ट हैं। और नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, वो है इंटीजर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो सेक्शन ए के क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे बोला गया है कि द इमेज ऑफ द लाइन x+2=0 ऑन द लाइन ऑफ दिस पार्ट, x+2=0 की आपको सेकंड लाइन में इमेज फाइंड आउट करनी है। देखो क्या मेथड है इसको करने का, इस क्वेश्चन को करने की 2 ऑप्शन है, तो मैं एक बार दोनों ऑप्शन डिस्कस करता हूं आपके लिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, ये आपकी फर्स्ट लाइन गिवन है x+2y-3=0, और आपको करना क्या है x=-2 की जो लाइन है वो लेट ऐसे कट करती है इसको, तो x=-2 की आपको इसको लेट l बोल देते, इसको लेट l1, तो आपको एल की एल वन में इमेज फाइंड आउट करनी। तो इमेज ऑलवेज कैसे शो होगी, इसकी इमेज देखोगे तो वो इतनी डिस्टेंस में नीचे की तरफ शो होगी, मतलब सेम एंगल पे इसकी जो इमेज है वो कैसे बनने वाली है ऐसे। तो आपको इस एल डैश की इक्वेशन को पढ़ना फाइंड आउट, और ये इमेज है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। तो देखो एक ऑप्शन तो क्या है इसको करने का, लाइन एल और एल वन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो पॉइंट पी आ गया। अब एक बात बताओ, एक लाइन पे पॉइंट पता है कैसे भी करके उसका स्लोप आ गया तो आंसर है ना, तो क्या करना है इसका स्लोप आप एमुलेट करें, आफ्टर दैट क्या करना है सेम डायरेक्शन में आप दोनों पर टेन थीटा लगा दो। भाई इसका स्लोप तो कितना है इन्फिनिटी, और इसका स्लोप कितना है -k/2। ठीक है, तो आप एक बार तो लगा दो टेन थीटा का फॉर्मूला m1 - m2/1 m1 m2 और m - this part / 1 this into this part, उसे m की वैल्यू करो फाइंड आउट, स्लोप आ गया पॉइंट पता आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो यार इजी है, कर सकते हो आप। उसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, और ये ज्यादा एक अच्छा मेथड है, हर कर्व के लिए वैलिड है ये जो सेकंड मेथड है, ये कैसे भी करो लाइन की लाइन में इमेज हो, सर्किल की लाइन में इमेज हो, पैराबोला की हाइपरबोला में इमेज हो, किसी में भी हो उसके लिए वैलिड है। देखो क्या करना है, सेकंड मेथड सेम ही है लिखने में, तो देखो ऐसे करते हैं सेकंड मेथड, ये आपको लाइन गिवन है x+2y-3=0, और ये आपकी फर्स्ट लाइन थी x=-2, और इसकी जो इमेज लाइन है वो ऐसे होगी ना, तो इमेज लाइन का मीनिंग क्या होगा कि जो ये लाइन है इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पी लेट करोगे, तो इस पॉइंट पी की जब इमेज लोगे आप, तो इमेज ऑलवेज आपकी इस एल डैश लाइन पे आने वाली है। इसका मीनिंग क्या करना है अपन को, इस एल डैश लाइन पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट है उसका लोकस ही तो पढ़ना फाइंड आउट। तो क्या करते हैं आप एल डैश लाइन पर एक पॉइंट लेट करो बेटा h, यस सर, ये लेट करने के बाद पॉइंट p क्या लेट करें अपन, पॉइंट p लेट कर दो। अगर आपने x को अल्फा लेट किया है x=-2 है ना, तो इसमें एक काम करो x को तो ले लो -2 और y को पर लेते अल्फा, ये लो। तो आपने x=-2 जो लाइन है आपकी पैरेलल टू दी y एक्सिस, इस पर एक आर्बिट्री पॉइंट क्या ले सकते हैं -2, यस सर। तो पॉइंट अगर आपने -2, लेट किया है तो क्या करना है, इस पॉइंट पी की इस लाइन में जो इमेज है वो क्या होगी h, तो आपने किसी पॉइंट की किसी लाइन में इमेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, क्या होगा x-x^(a=y-y^(b=-2), लाइन में पॉइंट पुट करो अपॉन a² बस। इसकी हेल्प से अपन इजीली क्या कर सकते हैं, h के और कांस्टेंट में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और h के कांस्टेंट में जो रिलेशन हो क्या होगा इस पॉइंट p का लोक, इस पॉइंट a का क्या होगा लोकस। तो देखो क्या लिखेंगे, दिस इज xy, दिस इज x1 y1, ये x1 है y1 है, तो क्या आ जाएगा देखो h -2 + 2 आ गया अपॉन a का मीनिंग 1 इक्वल टू क्या करना है देखो y - y1, तो k - alpha / b^2, ठीक है बेटा -2। हाँ भाई क्या करना है, लाइन में पॉइंट पुट करो x1 y1, तो क्या जाएगा -k2 + 2 alpha -3 / a² b², तो
चार और एक पांच आ गई, ठीक है। ये आने के बाद एक काम करते हैं, इस रिलेशन से आपको एल्फा का एलिमिनेशन करना है, क्योंकि एल्फा वेरिएबल है और एच की में रिलेशन लेके आना है। देखो अब फर्स्ट को थर्ड के साथ लेट करोगे तो क्या गया, एच प्लस टू इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट में दिस इज माइनस फाइव प्लस टू एल्फा अपॉन फाइव, यस। तो एक काम करें अपन, क्या करें बोलो, इसको सीधा माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या गया देखो, एच प्लस टू इक्वल टू ये जाएगा प्लस टेन अपॉन टू, टू आ गया ना, और माइनस के फोर एल्फा अपॉन वाई, ये लो मजा आ गया, टू से टू कैंसिल, तो सिंपल आपके पास एल्फा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट इससे अल्फा क्या गया माइनस फाइव एच अपॉन फोर, तो देन इससे अपन लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू क्या होगा बोलो, फाइव एच अपॉन फोर और आगे लगा देना माइनस आगे अल्फा। अब क्या करना है, सेकेंड और सेकेंड क्या, फर्स्ट और सेकेंड को पकड़ो सीधा, दिक्कत क्या है, तो फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन की हेल्प से आप बोल सकते हो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2h प्लस 4 इक्वल टू k माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है 5h अपॉन 4 का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5h अपॉन 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 8h प्लस 16 इक्वल टू 4k प्लस 5h, h को x से रिप्लेस करना है k को y से, देखो 8h और 5h 3x आ गया, माइनस के 4k तो 4y प्लस 16 इक्वल टू 0, तो ये जो इमेज लाइन है उसकी इक्वेशन होगी 3x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0, तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन है क्या इसका, 3x माइनस 4y इक्वल टू 16, तो ये लो आगे ना फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन इसका, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, तो एनी कर्व हो आपके, कोई भी दो कर्व हो और किसी भी कर्व की किसी कर्व में क्या लेनी है इमेज, तो आप इमेज फॉर्मूले से इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस टू द लाइन दिस पार्ट इज जीरो, मतलब इन सारे पॉइंट से जब आप इस लाइन पे क्या ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर्स, तो उनकी लेंथ का सम क्या है, जीरो है, और क्वेश्चन में वर्ड बोला गया है एल्जेब्रिक सम, ये ध्यान रखें। जब भी देखो जनरली अपन करते क्या है, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस लगाते हैं, तो मोड अपन रूट ए इसको बी इसको लिखते हैं, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट जब भी बोला जाए एल्जेब्रिक डिस्टेंस, तो एल्जेब्रिक वर्ड का मतलब विद साइन, डिस्टेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ काम करना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ काम करना, इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आप एल्जेब्रिक आपसे पूछा जाए कि बताओ पॉइंट पी, इधर सुनो, पॉइंट पी गिवन है लेट एक्स वन कॉमा वाई वन, और इस पॉइंट की लाइन गिवन है आपको लेट ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इस पॉइंट की इस लाइन से अगर डिस्टेंस पूछी जाएगी तो आप क्या लिखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, पी एम इक्वल टू लाइन में पॉइंट पुट करो, तो ए एक्स वन प्लस वी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए सब बी स्क्वायर, बट डिस्टेंस पूछी जाएगी तो आप इसमें मोड लगाओगे न्यूमेटर में, बट अगर आपसे पूछी जाएगी बताओ पॉइंट पी की लाइन से एलजेब्रिक डिस्टेंस, तो एलजेब्रिक डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये जो पीएम है ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो आपको मोड नहीं लगाना, ये मीनिंग है एलजेब्रिक वर्ड का। तो चलो अगर इतना समझ में आ गया तो देखते हैं क्या करना है, बस इसमें पॉइंट पुट करते चलो वन बाई वन, और सबका सम आपको क्या करना है जीरो, तो देखो सिंपल डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट पुट करोगे लाइन में क्या जाएगा ए प्लस टू बी प्लस सी अपॉन रूट ऑफ दिस पार्ट, प्लस सेकेंड पॉइंट पुट करो तो क्या आ गया बोलो थ्री ए प्लस 4b प्लस सी अपॉन एज इट इज, ऐसे ही थर्ड पॉइंट पुट कर दो तो क्या आ गया बोलो 5a प्लस 6b प्लस सी अपॉन एज इट इज, सिमिलरली अभी क्या शॉर्टकट से डायरेक्ट कर सकते हैं बट कोई नहीं समझा देते कंप्लीट लिख के एक बार, प्लस फोर्थ पॉइंट पुट करोगे क्या 7a, तो 7a प्लस 8c सॉरी 8b प्लस सी अपॉन रूट ऑफ एज इट इज, और लास्ट एज 9a प्लस 10b प्लस सी अपॉन रूट ऑफ एज इट इज, ये सारा का सारा सम जीरो करोगे तो रूट वाला पार्ट तो कहां चला गया जीरो में, और ये जीरो में चला गया देखो क्या गया a 4a 4 और 5 9 9 और 9 18,
18 और साथ 25 ए, तो कितना आ गया बोलो 25 ए प्लस देखो 2b 6b 12b 20 और 10 30b आ गया प्लस 30b और प्लस देखो c कितनी बार इसमें 1 2 3 4 5 तो प्लस 5c इक्वल टू 0। ठीक है तो क्या आ गया देखो 5 से डिवाइड कर दो तो 5a प्लस 6b प्लस c इक्वल टू 0। मतलब जब आपने एलजेब्रिक डिस्टेंस का सम जीरो किया तो एक एबीसी में रिलेशन आ चुका है। अब एबीसी में रिलेशन आने के बाद अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन द फिक्स्ड पॉइंट फॉर दिस लाइन है। ये बात ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट देन फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, इसका मीनिंग क्या है ये बात सुन लो सभी। जब भी आपको एक लाइन की क्वेश्चन गिवन है ax + by + c = 0, मतलब वेरिएबल फॉर्मेट में गिवन है, तो इसमें जो वेरिएबल एबीसी, अगर ये ऑल थ्री वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय रिलेशन, अगर ये ऑल थ्री वेरिएबल्स एक रिलेशन के द्वारा क्या कनेक्टेड है, तो उसका मीनिंग क्या है कि ये लाइन नहीं है, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन FSL। अगर ये ऑल थ्री वेरिएबल्स इज रिलेटेड बाय रिलेशन तो देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जब भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उसका मीनिंग क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है कि लेट आपके पास टू लाइन है L1 और L2, तो L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइन पास होती हैं उन सभी डॉटेड लाइन को बोलते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और बेटा ये आपको पता होगा कि टू पॉइंट के इंटरसेक्शन से जो पास होंगी लाइंस फैमिली ऑफ लाइंस उसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं, L1 + lambda L2 = 0। ये आपकी क्या डॉटेड इक्वेशन है, ये डॉटेड लाइन की इक्वेशन है, इसमें जैसे-जैसे लैम्डा की वैल्यू को चेंज करोगे तो देन वी विल गेट ऑल डॉटेड लाइंस। ठीक है तो अब देखो अपन को इस बार इनडायरेक्ट बात की गई, आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन गिवन है देन फाइंड फिक्स्ड पॉइंट। तो एक बात बताएं, अगर आपने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन को बेटा L1 + lambda L2 0 में क्या कर दिया कन्वर्ट, तो देन L1 = 0 और L2 = 0 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या होगा आपका फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है तो चलो अपन इसकी हेल्प से इसको करते, तो ये रिलेशन आ गया ना 5a + 6b, इसको एक बार अगेन लिख देते 5a + 6b + c = 0। ठीक है ये लिखने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो रिलेशन है आपका जो आपकी लाइन गिवन है फैमिली ऑफ लाइन इसमें क्या करो फिक्स है, जब भी एबीसी में या थ्री जो वेरिएबल्स है उनमें रिलेशन गिवन हो तो उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो आप, तो सी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगा -5a -6b = 0। देन जब a कॉमन लोगे फर्स्ट और थर्ड में तो आ गया x -5 और प्लस b कॉमन लोगे तो आ गया y -6 = 0। अब आपको दिखना चाहिए अगर आप इसको a से डिवाइड कर देते हो तो a से डिवाइड करोगे आप इस लाइन को तो देखो क्या आ गया है x -5 + b / a और b / a को क्या लेट कर दे लैम्डा y -6 = 0। तो एक कौन सी फॉर्मेट है बोलो L1 + lambda L2 = 0, दिस इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा L1 = 0 और L2 = 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो L1 को 0 करने से तो x = 5 आ गया और y आपका 6 आ गया, तो देन आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या होगा 5, 6। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, कौन सा होगा बोलो सेकंड ऑप्शन होगा 5, 6। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें मेन पार्ट यही था कि एलजेब्रिक वर्ड बोला गया है एलजेब्रिक डिस्टेंस का सम तो विदाउट साइन काम करोगे। ठीक है चलें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच द फंक्शन fx इक्वल टू ax क्यूब / 3 + a + 2 * x स्क्वायर + a - 1 * x + 2 = 0 प्रोसेस ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्वेश्चन में बोला गया कि जो एक 3 डिग्री का पॉलीनोमियल हैज ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मीनिंग क्या है, जहां पे जिस पॉइंट पे कर्व की कॉनकेविटी चेंज होगी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मीनिंग क्या है जिस पॉइंट पे कर्व आपका कॉनकेविटी चेंज करता है डाउनवर्ड से अपवर्ड या अपवर्ड से डाउनवर्ड। तो ठीक है ये बात तो सिंपल है कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन है और आपको उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो ये बात बहुत अच्छी समझ लेना सभी। अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल है, क्या कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल, तो फिर तो क्या करना है आप f डैश x करें, f डैश x की नंबर लाइन बनाएं। अगर f डैश x की नंबर लाइन में
अगर आप प्लस से माइनस और माइनस से प्लस जाते हो फिर तो बोलते हो लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमा, और अगर प्लस से प्लस से माइनस में जाते हो मतलब साइन डज नॉट चेंज, किसी पॉइंट पे क्या होगा लेफ्ट और राइट में साइन डज नॉट चेंज, उसका मीनिंग है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन की और डिफरेंशियबल की। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएशन डिफरेंशियबल नहीं है तो फिर उसका एक ही ऑप्शन है कि जिन पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है उस पर डबल डैश फाइंड आउट करोगे आप, तो डबल डैश में डबल डैश ए प्लस और डबल डैश ए माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करो। डबल डैश ए और डबल डैश ए माइनस और ए प्लस में दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और एफ डैश और एफ डैश ए प्लस और ए माइनस में साइन सेम होगा तो भी बोलोगे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मेथड सेम ही है बट करने का अलग मेथड है, क्योंकि डेरिवेटिव अगर आपका नॉन डिफरेंशियबल है तो आपको एलएचडी आरएचडी से काम करना पड़ेगा एफ डैश एक्स और डबल डैश के लिए, ठीक है। चलो तो अभी तो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस और डिफरेंशियबल है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलीनोमियल आर ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियबल। और डबल डैश में क्या करोगे कि डबल डैश में नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर साइन चेंज होगा प्लस से माइनस और माइनस से प्लस तो उसको क्या बोलोगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अरे सामने पड़ा होगा किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा डायग्राम, और अगर किसी फंक्शन का डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड। तो देखो जैसे लेट आपने क्या बोला इस इंटरवल में फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड है और बाद में लेट फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड है तो आप ऐसे बनाओगे ना तो इसका मीनिंग क्या है इस पॉइंट पे इस फंक्शन की क्या कॉनकेविटी चेंज होगी, अभी तो डाउनवर्ड है और बाद में क्या अपवर्ड है, इसका मीनिंग क्या हो सकता हो आप बोलो कि यहाँ डबल डैश का साइन चेंज हुआ है तो डबल डैश में तो साइन चेंज होना चाहिए और एफ डैश एक्स में साइन डज नॉट चेंज, क्योंकि एफ डैश एक्स में क्या होगा इस पॉइंट से जस्ट पहले लो या बाद में लो टेंजेंट का स्लोप सेम होगा, या तो ए प्लस या ए माइनस पे एफ डैश एलएचडी आरएचडी बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका देखो एफ डैश एक्स क्या जाएगा बेटा एक्स क्यू का करोगे थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री से थ्री कैंसिल तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस टू एक्स और प्लस आ गया ए माइनस। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैसे करना है, पहले एफ डैश एक्स की बात करते हैं। ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, अगर ये एक्स में क्वाड्रेटिक है इसके बहुत रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इसके दोनों रूट क्या हो रियल और डिस्टिंक्ट तो अगर देखो मैं दो केस है दोनों लेके बताता हूँ आपको, इसके बहुत रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो क्या होगा कि लेट इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसके फैक्टर क्या लगोगे ए ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इस केस में क्या होगा ये लेट आपका अल्फा पे जीरो होगा बीटा पे और ये लगोगे प्लस माइनस प्लस तो ये लोकल मैक्सिमम होगा ये लोकल मिनिमम, मजा नहीं आया। और बाई चांस अगर एफ डैश एक्स ये जो क्वाड्रेटिक है इसके बोथ रूट्स आर इक्वल तो अगर बोथ रूट्स इक्वल हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे एक्स माइनस अल्फा का और इसका आपने लेट कर दिया कि इसके दो रूट क्या अल्फा अल्फा और ये अगर पार्ट होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा पे जीरो है स्क्वायर है तो साइन डज नॉट चेंज, इसका मीनिंग एक्स इक्वल टू अल्फा क्या होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। तो सिंपल सी बात है कि बोथ रूट्स इक्वल हैं तो इसका डी जीरो कर दो, डी जीरो करोगे तो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलो अपन इसका एक बार डी जीरो कर देते हैं बेटा, तो देखो डी जीरो करने पे क्या बी स्क्वायर फोर ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए इज ए और कॉन्स्टेंट टर्म इज ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो फोर से फोर तो कैंसिल हो गया ना, चलो ओपन करो उसको तो ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा क्या होगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल तो क्या गया फाइव ए प्लस फोर इक्वल टू जीरो देन ए इक्वल टू आ गया माइनस के फोर अपॉन फाइव और देखो ऑप्शन में माइनस फोर अपॉन फाइव गिवन भी आपको, बट एक बात सुनो ये सही आंसर ए इक्वल टू जो माइनस फोर अपॉन फाइव लोगे तो हाँ 100% इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। बट क्वेश्चन ने एक बात बोली थी नेगेटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब ये जो रूट है आपका एक्स इक्वल टू अल्फा नेगेटिव होना चाहिए। तो एक बात बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, सही है ना। तो इस सेकंड केस की ये तो आपका फर्स्ट केस हुआ और ये आपका सेकंड केस है तो सेकंड केस में क्या बोथ रूट्स आर इक्वल तो डी तो जीरो हो गया ना तो सिंपल इसका रूट क्या आ गया अल्फा माइनस के बी बाई टू है। तो बेटा जब आप बी की वैल्यू पुट करोगे ए तो ए आपका बी कितना है ट्वाइस ऑफ ए प्लस टू तो टू से टू कैंसिल तो क्या गया माइनस ऑफ
ए प्लस टू अपॉन ए। तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे देखो, ए आपका माइनस फोर अपॉन फाइव है, तो ए की वैल्यू इधर पुट करोगे तो माइनस फोर अपॉन फाइव टू से छोटा है, ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इसके अकॉर्डिंग एक्स आपका पॉजिटिव आ गया, मतलब ये ए इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो है, बट ये क्या है, पॉजिटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बट क्वेश्चन में बोला गया नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो देन इस केस में ए को माइनस अपॉन फोर माइनस फोर अपॉन फाइव को नेग्लेक्ट करना, ठीक है ना, इसको कंसिडर नहीं करना आंसर में, बट करना इस तरीके से एफ डैश एक्स में, ठीक है। अब अगला केस आएगा डबल डैश एक्स, डबल डैश एक्स में साइन चेंज होना चाहिए, कॉनकेविटी के लिए क्या होगा, डबल डैश एक्स में प्लस से माइनस थ्रू करोगे या माइनस से प्लस थ्रू करोगे, तो चलो एक काम करते हैं, अगेन इसको रिमूव कर दे इसमें से, अब इसका डबल डैश करोगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू आ गया बेटा ए एक्स स्क्वायर का, तो आ गया टू एक्स और एक्स का वन होगा, तो दिस इज दिस, ये लो ये तो ओनली ये डबल डैश है तो ये लीनियर है तो जीरो कब होगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टू से टू कैंसिल, तो ये आ गया माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस टू अपॉन ए, बोलो आया ना। अब सिंपल सी बात है, अगर एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव हुआ तो स्टार्टिंग प्लस से माइनस जाओगे या माइनस से प्लस, कुछ भी होना, ये 100% क्या है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और सिंपल सी बात है, मतलब ये आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसे ये एक्स की वैल्यू आपकी, तो ये नेगेटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब ये जो एक्स है ना ये आपका नेगेटिव होना चाहिए, चलो अपन इसको नेगेटिव की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा देखें, सभी क्वेश्चन बोला गया कि x नेगेटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस 2 अपॉन a इज लेस देन 0 देन ऑफ a प्लस 2 अपॉन a इज ग्रेटर देन 0, यस सर, नंबर लाइन ड्रॉ कर दो उसके लिए, ये 0 पे 0 होगा, ये माइनस 2 पे, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 का मीनिंग पॉजिटिव पार्ट, मतलब जब a आपका माइनस इनफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 0 से इनफिनिटी में होगा, उस केस में दिस फंक्शन एफ एक्स है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और कौन से, नेगेटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्योंकि आपने इस एक्स को नेगेटिव लेट करके सॉल्व किया है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर में क्या बोला गया, ए पीस ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल सी इन फिगर वन, मतलब एक पेपर है उसकी पीस को क्या बना दिया, एक सेक्टर बना दिया, ये सर्कल का सेक्टर है आपका, ठीक है, ये सर्कल का सेक्टर है, चलो इज रोल्ड अप टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर कोन, आपने क्या किया, इस जो आपका ये सेक्टर है इसको जब आप फोल्ड करोगे यूं तो ये क्या बनेगा, राइट सर्कुलर कोन की फॉर्मेट में बन जाएगा, ठीक है, एक कोन बन जाएगा इससे, सिंपल सी बात है, जब भी कोन का फॉर्मेशन करना है तो वो सेक्टर से किया जाएगा, आप थोड़ा 3D में सोचें, जब आप इस सेक्टर सेक्टर को यू पकड़ के आप एक काम करना, घर पे एक पेपर लेना ऐसे, इस फॉर्मेट में बनाने के बाद जब आप उसको रोल्ड करोगे ना, यू फोल्ड करोगे, मतलब इन दोनों पार्ट को एक तरीके से चिपका दो आप, तो ये क्या बनेगा, राइट सर्कुलर कोन बनने वाला है, ठीक है, चलो, तो देन वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू को फाइंड करना, फाइंड आउट, तो देखो थोड़ा केयरफुली देखना, आपने इस फिगर वन से फिगर टू का मतलब राइट सर्कुलर कोन बनाया, ये 5 है ये 12 है, तो इसकी साइन डेट कितनी, 13 है। अब थोड़ा लॉजिकली देखना ब्लैक बोर्ड पे, इस स्लाइंट हाइट का मीनिंग क्या है, इस स्लाइंट हाइट का इसमें रिलेशन देखो क्या है, ये आपका जो कोन है, सॉरी ये सेक्टर है, इस सेक्टर को जब आप फोल्ड करोगे तो एक बात बताओ, इस सेक्टर को फोल्ड करने का, अरे ये सारी की सारी रेडियस है, ये सारी की सारी क्या रेडियस है, ये सब कुछ रेडियस है, तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इसकी जो स्लाइंट हाइट है वो क्या होगी, रेडियस की तरह काम करती है, स्लाइंट हाइट इसकी रेडियस होती है, ठीक है, तो इससे पता चल गया इस सर्किल की रेडियस भी आपकी 3 है, और अब क्या बोला गया है, आपको थीटा बताना है, तो एक काम करें, ये जो आपका सेक्टर है, इस सेक्टर का जो एरिया है ये क्या होगा, इस कोन का सरफेस एरिया के इक्विवेलेंट होगा, हाँ या ना, थोड़ा दिमाग दौड़ाया, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर या आर प्लस एल बोल सकते हो, बट अपन को ओनली क्या लेना, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जब इस राइट जब इस सेक्टर को आप रोल्ड करोगे
तो सेक्टर को रोल्ड करने से जो कोन बनेगा ये इसका कौन सा एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो इसका जो एरिया है वो तो क्या होगा 1/2 r² θ, पढ़ा होगा आप सबने कि सेक्टर का एरिया क्या होगा 1/2 r² θ, ये किसके इक्विवेलेंट होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, यस सर। तो पाई आर एल लिखोगे तो एक आर तो कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा कितना जाएगा 2πL/r, क्या गया 2πL/r। तो देन ये तो 13 है इसमें, हाँ ये थोड़ी गड़बड़ी कर दी मैंने, ये r, हाँ ये रेडियस इसको एक काम करते हैं अपन, इसकी रेडियस r है इसको अपन r डैश लिखते हैं, तो ये सॉरी क्या जाएगा 1/2 r² θ इक्वल टू पाई आर डैश एल। तो क्या लिखना 1/2, तो देखो r इक्वल टू l है क्योंकि sin थीटा आपकी रेडियस है, तो एक r से l कैंसिल आउट हो गया, तो देन सिंपल लिख सकते थीटा, तो थीटा क्या आ गया बताओ 2πr′/r, r′ तो उसकी जो बेस है इसकी रेडियस है 5, और ये क्या है स्लैंट हाइट है, तो 5 पर करोगे क्या गया 10π/, रेडियस इज 13, तो 10π/13 इज रेडियस जो आपका सेक्टर है इसका एंगल होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, लेट fx इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है आपको fx इक्वल टू e की पावर x²-4x+3 का मोड, इसको अपन राइट में लिख लेते हैं एक बार, fx इक्वल टू e की पावर मोड ऑफ x²-4x+3, देन आपको बताना है fx इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल दिस पार्ट, fx increasing interval this part, fx has one local maximum point, two local minima, मतलब आपको सब कुछ चेक करना है इसमें, increasing decreasing भी देखना है, local minima local maxima का point देखना है। अब देखो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, एक ऑप्शन तो क्या increasing decreasing का, आप आराम से फंक्शन का f'x करें, f'x जहां पॉजिटिव होगा नंबर लाइन पे और जहां नेगेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग आप increasing decreasing बता सकते हो, और प्लस से माइनस से प्लस में जाओगे तो उन पॉइंट पे लोकल मिनिमा है लोकल मैक्सिमा होगा, बट आप तो सोचो कर सकते हैं, बट इसमें मोड आ रहा है तो आपको केस राइज करने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, तो एक काम करते हैं अपन सिंपल इसका डायग्राम बना के देखते हैं, क्योंकि डायग्राम में बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे, तो एक काम करो पहले अपन इसका डायग्राम बना देते हैं ई की पावर, इस ई की पावर को मान लो जी एक्स, तो एक जी एक्स फंक्शन कंसिडर किया मैंने, जी एक्स इक्वल टू ई की सॉरी एक्स माइनस वन इंटू इसके फैक्टर होंगे x-1 × x-3 का मोड, तो देखो इसका डायग्राम कैसे होगा gx का, सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 पे 0 है 3 पे 0 है, देखो जब आप ओनली अंदर वाले पार्ट का डायग्राम बनाओगे वो तो कैसे बनेगा u, बट जब आप इसका मोड लोगे तो मोड का मीनिंग है नेगेटिव पार्ट का मोड भी क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो देन देखो ये तो आपका एजिटिव होगा, ये पुली ऊपर बन जाएगी और ये आपकी ऐसी, मतलब जो अपना gx है इसका डायग्राम में ब्लैक पोर्शन होगा, और एक बात तो सोचो ना e की पावर g x मतलब e की पावर x ऑलवेज आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक बात बताओ e की पावर g x है ऐसे लिखते हैं इसको fx इक्वल टू e की पावर g x, तो एक बात देखते हैं अगर g x इंक्रीजिंग है तो e की पावर g x भी क्या करेगा उस पार्ट में इंक्रीज करेगा, और gx अगर डिक्रीज करेगा तो e की पावर gx भी क्या करेगा ऑलरेडी डिक्रीज करेगा, और सिंपल सी बात है gx जिन पॉइंटों पे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा उस पे e की पावर gx का भी क्या होगा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, मतलब आपको ओनली gx को चेक करना है। देखो ब्लैक बोर्ड पे सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो माइनस इनफिनिटी से 1 में फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा था डिक्रीजिंग हो गया, तो माइनस इनफिनिटी से 1 में डिक्रीज करेगा, और बाद में देखो ये पॉइंट है आपका 2, और 2 से 3 में अगेन फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो देखो डिक्रीजिंग की बात करोगे तो क्या आएगा माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 2 से, इसमें तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, और इंक्रीजिंग कौन सा होगा देखो 1 से 2 में डिक्रीज करेगा फंक्शन, और बच्चों 3 से इनफिनिटी में अगेन क्या करेगा इंक्रीज, तो देन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग है, इसने उल्टा दिया है,
एफ एक्स डिक्रीजिंग इन वन से टू एन। अब लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमा की बात करोगे तो देखो लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमा कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये दिख ही रहा है आपको, ये तो हो गया लोकल मिनिमम पॉइंट, सॉरी ये तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, क्योंकि इधर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, इधर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, तो आप प्लस से माइनस में जाते हो, तो ये तो आगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और देखो ब्लैक बोर्ड पे जिन पॉइंट पे फंक्शन क्या हो नॉन डिफरेंशियबल, इनको क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और इन पॉइंटों पे भी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। तो आप ब्लैक बोर्ड पे देखो इसमें एफ ओ वन की वैल्यू एफ ओ वन प्लस और एफ ओ माइनस वन से लेस है, मतलब एफ ओ वन आपका एफ ओ वन प्लस और वन माइनस से लेस है, इसका मीनिंग वन और थ्री पे क्या होगा पॉइंट लोकल मिनिमम पॉइंट होगा, तो वन और थ्री पे तो लोकल मिनिमा होगा और टू पे क्या होगा लोकल मैक्सिमा। तो क्या आंसर लगोगे, हैज वन लोकल मैक्सिमा एंड टू लोकल मिनिमा, तो हैज वन लोकल मैक्सिमा एंड टू लोकल मिनिमा, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देख अच्छा क्वेश्चन है, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखो क्वेश्चन सिक्स में क्या बोला गया, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट एक्स लेस देन जीरो एक्स ग्रेटर देन जीरो, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है इसमें। जीरो सेवन में डिक्रीजिंग है, लिमिट माइनस इनफिनिटी पे एफ एक्स दिस पार्ट है, वन लोकल मैक्सिमा वन लोकल मिनिमा है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या करें बताओ। देखो आपको सारी चीज चेक करनी है इसमें, और ये फंक्शन डिफरेंट इंटरवेल में डिफरेंट वे में गिवन है, तो इसको भी करने की टू ऑप्शन है, आप प्रॉपर मैथमेटिकली कर सकते हो डिफरेंशिएशन से, बट आप डिफरेंशिएशन की बात करोगे तो देखो ये मोड आ रहा है आपका, तो आपको उसको वन पे स्प्लिट करना पड़ेगा, कर सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इस फंक्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसे। और एक बात सुन लो, ये जो क्वेश्चन है ऐसा ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में बहुत बार आ चुके हैं कि जिसपे जिन पॉइंटों पे फंक्शन की क्या हो डेफिनेशन चेंज हो, कभी भी रेगुलर क्वेश्चन नहीं आया आज तक, देखना चार पांच क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट 10 ईयर में, उनमें जो क्वेश्चन उसमें क्या है फंक्शन पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा दो दो तीन तीन बार, फिर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा इन्फ्लेक्शन पॉइंट सारी बात की गई है ऑप्शंस में। तो देखो एक काम करते हैं अपन, इसको फंक्शन को स्प्लिट करते थोड़ा, तो देखो एक्स की वैल्यू अगर जीरो से वन है तो जीरो से वन में एक्स अगर वन से छोटा लोगे तो ये मोड आपका पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, ठीक है, और एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर लोगे तो नेगेटिव होगा, तो इसको लिख दोगे एक्स माइनस वन, ये लो ये फंक्शन मैंने स्प्लिट कर दिया। अब एफ एक्स आ गया तो क्या करना चाहिए, अब ध्यान रखें सिंपल सी बात है, इसने पूछा गया एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे एफ एक्स जीरो, यस सर माइनस इन्फिनिटी इसमें लाइक रहेगा, अरे यार अगर आपसे पूछे कि बताओ लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो फंक्शन क्या ए की पावर एक्स है ना, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो आ गया, तो ट्रू आ गया आपका स्टेटमेंट, क्या आ गया बोलो ट्रू। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे और डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे, तो देखो जीरो पे देखना है, इधर आओ ब्लैक बोर्ड पे e की पावर 01 1 माइनस 01, यस सर, तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस ऑल थ्री आर सेम, तो फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस है। और डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे तो क्या करो, अब अपन इसका आराम से क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि 0 और 1 दोनों पे क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो देखो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x, इंटरवल सेम ही है, इसका आ गया माइनस वन इसका वन आ गया, मेरे अकॉर्डिंग इसके बाद तो फटाफट आंसर देख सकते हो आप, तो देखो ना जीरो पे e की पावर 01 जीरो पे माइनस वन, तो जीरो पे एल एच डी आर एच डी बोथ आर अनइक्वल, तो देन x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, वन पे भी देख सकते हो, क्योंकि इन जो जिन पॉइंटों पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज है उनके अलावा देखो e की पावर x ऑलवेज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, 1 माइनस x x माइनस 1 ये भी क्या लाइन से, तो ये भी क्या कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो अगर ये अपने इंटरवल में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो आपको केवल उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है जिन पे फंक्शन की क्या हो डेफिनेशन चेंज हो गया, ठीक है, तो देखो तो ये आ गया ना, देखो इसमें तो जीरो पे क्या आ गया नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, और वन पे भी फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशियबल है क्योंकि वन माइनस पे एल एच डी या आर एच डी तो माइनस वन है एल एच डी आपका वन है, तो अभी जिसने पूछा गया कि जीरो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है, ठीक जीरो गलत, ये फॉल्स है आपका, ये आपका टू है,
चेक आप सारे ऑप्शंस कर सकते हो ताकि चीजें सीखोगे आप। तो देखो डिक्रीजिंग इन 0 टू 1, तो देखो ना x जब 0 से छो, अगर ये आपको f dash x की नंबर लाइन देखनी है तो 0 1 लेके देख लो। देखो 0 से लेस पे e की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 0 से 1 में माइनस 1 है तो नेगेटिव है, 1 से ग्रेटर में 1 है तो पॉजिटिव है। तो 0 से 1 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 से लेस और 1 से ग्रेटर में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो देन डिक्रीजिंग इन 0 टू 1 ये भी ट्रू होगा। और देखो ये f dash x की नंबर लाइन है, प्लस से माइनस, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा और माइनस से प्लस लोकल मिनिमा, तो वन लोकल मैक्सिमम वन लोकल मिनिमा, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसने क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको फोर्थ ऑप्शन इसका फिल करना है। तो आप स्प्लिट करके भी कर सकते हो, क्योंकि जब मोड हो सिग्नम हो स्टेप हो उन पे स्प्लिट करो फंक्शन को और आराम से f dash x करो डबल dash करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इजीली चेक कर सकते हो कि फंक्शन कहां किन किन पॉइंटों पे नॉन डिफरेंशियबल, क्रिटिकल पॉइंट कुछ ही पूछा जा सकता है। ठीक है चलो, अब ये मेथड अच्छा है बट थोड़ा सा लेंथी, कभी कभार मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से भी फटाफट समझा सकता हूँ। देखो क्योंकि डायग्राम सिंपल है ना यार, x माइनस वन के मोड का डायग्राम कैसे बनाते हैं, वन पे कर्व चेंज होगा बस, बट आपको जीरो से ग्रेटर में बनाना है, ये बन गया सिंपल। और e की पावर x का डायग्राम नेगेटिव में इधर होगा, तो जीरो पे दोनों की वैल्यू बनाती है। तो देखो ये कर्व है फिर ये लाइन है, तो ये शार्प कॉर्नर है ना, तो वन पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है। अब ये देखो जीरो पे और वन दोनों पे कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब जीरो पे आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए कि देखो इस पे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे एग्जैक्ट की, वैसे होने को तो एक कर्व है लाइन है तो 100% ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट होगा। फिर भी आप जीरो पे तो एक काम करो फटाफट डिफरेंशिएशन से करके देख लो, ज्यादा बेटर है। ये आगे देखो ये ऐसे है, तो ये तो लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, क्योंकि f of 1 की वैल्यू क्या है, f of 1 प्लस से लेस है और f of 1 की वैल्यू f of 1 माइनस से अगेन लेस है। तो किसी पॉइंट पे वैल्यू LHL RHL दोनों से लेस है तो लोकल मिनिमा होगा, और दोनों से ग्रेट है तो लोकल मैक्सिमम होगा। देखो सारे डायग्राम से फटाफट चेक कर सकते हो, ठीक है चलो। तो देखते हैं इसके बाद 7th और 8th क्वेश्चन का एक पैसेज है आपका। देखो क्या पैसेज गिवन है, कंसीडर f g एंड h वी थ्री रियल वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन। एफ जी एच आपके थ्री फंक्शन से वो क्या रियल वैल्यू डिफरेंशियबल फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है डिफरेंशियबल आपके ऑन आर, और जी एक्स आपको गिवन है दिस पार्ट, एफ एक्स गिवन है एक्स जी एक्स माइनस 12x+1 और एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एच एक्स का होल स्क्वायर, वेयर एच ऑफ जीरो आपको वन गिवन है। तो देन आपको वाई इक्वल टू एफ एक्स को देखना है किन पॉइंट पे लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम रखता है, और अगले क्वेश्चन में क्या देखना है वो भी देख लेते हैं एक बार अपन। y equal to hx does not hold good, आपको hx में देखना है कि hx critical point, inflection point, number of roots exactly one tangent parallel to the x axis, मतलब आपको function fx और hx को find out करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, तो first of all आपको fx function को करना find out, तो देना आप क्या करोगे gx function को करोगे find out। तो एक काम करते हैं, ये जो gx given है इसमें देखो gx फंक्शन को फाइंड करने के लिए आपको g डबल डैश 1 और g डैश 1 की वैल्यू को करना फाइंड आउट, बहुत सिंपल मेथड है। आप gx का दो बार कर दो डिफरेंशिएशन, देखो इससे आ गया g डैश x क्या होगा 3x² प्लस 2x g डबल डैश 1 प्लस इसमें x का 1 होगा, तो ये वाला पार्ट है 3 g डैश 1 माइनस जी डबल डैश 1 माइनस के 1, ठीक है, और 3 जी डैश 1 का तो 0 आ गया, ठीक है। देन आप क्या करें अपन एक काम करो उसका डबल डैश सॉल्व कर देते हैं, तो इससे आ गया जी डबल डैश x इक्वल टू 6x प्लस इसका तो 0 और ये आ गया ट्वाइस ऑफ जी डबल डैश 1। यस सर, देखो एक जी डबल डैश 1 तो चला गया प्रोग्राम से बाहर, तो क्या आ गया से जी डबल डैश, सॉरी अभी मत करो अभी कैंसिल नहीं करना अपन को, x को जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो x को 1 पुट करने पे क्या गया g डबल डैश 1 टू g डबल डैश 1, तो इससे आ जाएगा g डबल डैश 1 आ गया आपका माइनस के 60 g डबल डैश 1 माइनस 6 आ गया। अब g डैश 1 के लिए काम करते हैं, एक बार इसमें कर देते हैं x को 1 पुट, तो इसमें जब आप x को 1 पुट करोगे तो क्या आ गया g डैश 1 इक्वल टू 3 g डैश 1, तो ये तो 1 हो गया 2,
G"(S1) की वैल्यू कितनी है? तो देखो ये आ गया 2G"(S1) और माइनस के G"(S1), 2G"(S1) माइनस G"(S1), दिस इज प्लस G"(S1), और G"(S1) की वैल्यू क्या? -6, चलो प्लस 3G"(1) और माइनस के 1। तो देखो सॉल्व कर दो उसको, तो क्या रहेगा? देखो 3 -6 -1 -7 3 -7 -4, तो -4 तो इधर आ गया, G"(1) इधर चला गया, तो क्या आ गया? 2G"(1=4 10 G"(1) आ गया आपका। ये लो, ठीक है, बस यही इसका यूज था कि G"(x) करो, G"(x) करो, x को दोनों में 1 पुट करोगे तो आपको G"(x) और G"(1) की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, अपन GX फंक्शन को सेपरेट लिख देते हैं अंदर। तो देखो GX फंक्शन क्या जाएगा आपका, हाँ, x³, इधर G"(x) को 1, 6 लोगे तो -6x² आ गया। इसमें रखो, देखो G"(1) को रखना है 2, तो 2 और 2 6 आ गया, G"(1 -6 तो +1 और ये -k1 into x आ गया, मतलब ये आ गया, अरे सही है ना, G"(1) आपका 2 है तो 6, G"(1 -6 है तो +6 और -1, तो दिस इज 11x आ गया प्लस का। तो ये लो प्लस का 11x, और बाद में क्या होगा, 3 और 2 दी 6, ये भी आ गया प्लस के, तो ये आपका आ गया GX। चलो अब इसको हटा देते हैं, GX आने के बाद अब क्या करना है आपको, fx फंक्शन को लिखना है, क्योंकि वही आपका काम का है। तो fx में क्या करोगे, देखो fx फंक्शन क्या है, कैसे करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, इससे आ गया fx = xgx, x से मल्टीप्लाई कर दो gx को, तो कितना जाएगा, x⁴ -6x³ प्लस 11x² प्लस 6x, और बाद में क्या करना, -k 12x + 1, तो -k 12x + k 1। तो फाइनली सॉल्व करने पे क्या आ गया, fx = देखो x⁴ -k 6x³ प्लस 22x प्लस k, सॉरी क्या कर दिया, इलेवन x² 12x और 6x, तो -k 6x, ये लो, ये आपका आ गया fx फंक्शन। fx आने के बाद x तो क्या होगा, रूट fx आ गया ना, बहुत सिंपल है, बाकी बात की बात है। और देखो ये तो सिंपल आ गया, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो देखो hx क्या जाएगा, प्लस माइनस रूट fx, बट क्वेश्चन में एक बात दी मैंने h(0), तो इसके अकॉर्डिंग h(0) क्या आ गया, देखो f(0) की वैल्यू 1 है, तो h(0 प्लस माइनस 1 आ गया, बट क्वेश्चन में गिवन है h(0 1 है, तो आपको टेकिंग प्लस लेना है, तो hx फंक्शन जाएगा रूट fx पॉजिटिव में, hx = प्लस रूट fx है, बस ये ध्यान रखना। अब fx आने के बाद आपको इसको लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम देखना है, तो इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, तो चलो कर देते हैं। तो देखो इसका f(x) क्या आने वाला है, इसका f(x) होगा बेटा 4x³ माइनस 18x² प्लस 22x माइनस के 6। ये आने के बाद इसमें से 2 कॉमन लेते एक बार, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आ गया, देखो 2x³ माइनस के 9x² प्लस के 11x माइनस के 3। बोलो आया ना, ये आने के बाद अब आपको इसके क्या देखने, रूट्स क्या होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो अगर आप बात करते हो कि f(x) ये क्यूबिक है ना, अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर देता हूं, तो देखो अलग से देख लेते हैं, ये आएगा 6x² माइनस के 18x प्लस के 11, तो इसका तो देखो d नेगेटिव आ रहा है ढंग से, इसका d क्या रहा है, नेगेटिव, देख लो ना, 6x² माइनस के 18x प्लस 11, तो 18x² तो कितना आता है बताओ, माइनस 24 गुणा 11, नहीं डी पॉजिटिव आएगा इसका, तो क्योंकि 364 के आसपास आएगा, देख लेना जो भी है, और ये 24 ये तो छोटा आएगा इससे, इसका मतलब इसका डी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 100% अगर इसका डी पॉजिटिव है तो इसके फैक्टर होंगे 100%, मतलब इसके रूट्स आने ही वाले हैं। तो अब देखो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो
अब थोड़ा इसमें अपने को दिमाग लगाने की जरूरत है, मतलब इसकी रूट्स फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये सोचना पड़ेगा कि एक्स की विच वैल्यू इसको क्या करती है सेटिस्फाई। तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली करना है क्या, थोड़ा ध्यान रखना, इसके फैक्टर नहीं होंगे मेरे सभी, ठीक है, ये जो एफ एक्स है इसके रूट फाइंड करना इसमें सिंपल है, क्योंकि देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है, सेकंड सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, और ये मिडिल टर्म तो सेपरेट है। क्या करना है इसमें, अपन एफ एक्स इक्वल टू जीरो को थोड़ा सेपरेट सोल्व करते हैं। देखो बेटा, तो जब आप एफ एक्स इक्वल टू जीरो को सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ गया, एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यू प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स प्लस के वन इक्वल टू जीरो। तो देखो एक्स इक्वल टू जीरो इसको डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो इसका रूट नहीं होगा, क्योंकि एक्स को जीरो पुट करने पे क्या रहा, वन इक्वल टू जीरो। तो क्या करें इसमें, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अभी फिक्स पैटर्न है, फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम हो, सेकंड सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, मिडिल टर्म आपकी सिंगल है, तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ये पैटर्न है आपका क्वाड्रेटिक का, तो इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करके जाएगा माइनस के सिक्स एक्स और माइनस के सिक्स अपॉन एक्स, तो माइनस सिक्स कॉमन लेने पे क्या आ गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और ये आ गया इलेवन इक्वल टू जीरो। देन आपको क्या करना है, इसको लिख सकते हो ना क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस के टू माइनस सिक्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो। तो देन क्या करना है, देखो जब बेटा आप इसमें लेट करोगे क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी कंसिडर करोगे, तो जब इसको टी कंसिडर करोगे तो क्या जाएगा टी स्क्वायर माइनस के सिक्सटी और माइनस टू और इलेवन प्लस के नाइन इक्वल टू जीरो। देन ये क्या है टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो से टी की ओनली सिंगल वैल्यू आने वाली है टी इक्वल टू थ्री, और टी को जब थ्री से पुट करोगे तो क्या गए एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यस सर, ये आपकी क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये पता चल गया, ये जो आपकी इक्वेशन है ये पता क्या है, ये इसका होल स्क्वायर एक तरीके से, मतलब सिंपल सी बात ये है, ये जो पावर फोर की इक्वेशन है इसके ओनली टू रियल रूट्स हैं, टू नहीं सॉरी इसके चार रियल रूट्स हैं और दोनों रिपीटेड रूट हैं, क्योंकि आपको थोड़ा दिखना चाहिए इसकी जब आप स्क्वायरिंग करोगे ना, अरे यार इससे टी की दोनों वैल्यू सेम है ना, तो टी की दोनों वैल्यू सेम है तो इससे भी एक्स की टू वैल्यू सेम होंगी, अगेन टू वैल्यू सेम होंगी, ऐसे ये टी सिंगल नहीं है, टी की दो वैल्यू थ्री कॉमा थ्री है, इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो पावर फोर की इक्वेशन है इसके फोर रूट्स हैं लेकिन टू इक्वल और टू इक्वल, मतलब टू रूट्स आर रिपीटेड अदर टू आर ऑल्सो रिपीटेड, मतलब इसके चार रूट होंगे कौन कौन से, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, सिंपल सी बात है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो क्या है, ये भी बच्चे कर सकते हैं, अगला पार्ट इसमें मेन है कि अल्फा लेट, अपन को पता है इसके रूट है अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो एक सिंपल सी बात क्या है, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इससे एक्स की वैल्यू को करोगे फाइंड आउट, तो बेटा उससे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ नौ माइनस चार पांच, इससे एक्स की वैल्यू आने वाली है थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई, ये इससे अल्फा आ गया और बीटा माइनस, ये अल्फा बीटा आ चुका है, इसमें लॉजिकली होगा क्या, ये जो वैल्यू है एक्स की ये वैल्यू इसको क्या करती है सेटिस्फाई, ये वैल्यू इसको क्या करेंगी बोलो सेटिस्फाई करने वाली है, बात को सुना केयरफुली, ये वैल्यू इसको क्या करने वाली है बोलो सेटिस्फाई। एक काम करें अपन, अगर एक्स इक्वल टू अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है तो अपन एक्स को इसमें अल्फा पुट कर दें, तो एक्स को इसमें जब अल्फा पुट करोगे तो देखो इसको अपन किधर सॉल्व करें, मैं एक काम कर देता हूँ इसी सब कुछ हटा देता हूँ उसमें से, इसमें काम की चीज यही है कि इस इक्वेशन के चार रूट हैं और रिपीटेड रिपीट है अल्फा अल्फा बीटा, और आप खुद समझ सकते हो अगर अल्फा इसका रिपीटेड रूट है तो 100% एफ डैश अल्फा भी जीरो होगा और एफ डैश बीटा भी आपका जीरो होगा, बस अब अब छोड़ो करना भी नहीं है मेरे को, हटाओ कोई जरूरत नहीं पुट करने की, ये पता चल गया कि अल्फा और बीटा इसके रिपीटेड रूट हैं, ये पता होगा कि रूट अगर रिपीटेड है तो अल्फा पे एफ डैश अल्फा भी जीरो होगा और एफ डैश बीटा भी जीरो होगा, तो सिंपल सी बात यह है कि जो एफ डैश एक्सिस के दो रूट तो पता है अल्फा और बीटा और थर्ड रूट कुछ अलग होगा, सही है ना, दो रूट ये एक रूट इसका और होगा। तो चलो अब अपन इसके डायग्राम की बात करते हैं, बस ध्यान रखना इसको, तो इसको रिमूव कर दे इसमें से, इक्वेशन तो लिखी रखी इसको दोबारा हटा देते हैं,
ये एफ एक्स का डायग्राम बनाना है तो जीरो पे तो बना रहा है, ये इसके जो रूट्स मिले थे अभी वो रूट्स क्या थे वो सुन लो, एक्स इक्वल टू था वो थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, ये प्लस वाला अल्फा मान लेते हैं और नेगेटिव माइनस वाला बीटा, तो देखो टेकिंग प्लस लोगे तो कितना जाएगा तीन 5.2/2 मतलब कुछ इधर आ रहा होगा और एक इधर इधर मान लेते हैं, और अपन को ये पता है कि इस पॉइंट पे ये अल्फा है ये बीटा है, इस पॉइंट पे एफ डैश अल्फा जीरो इसका मतलब इस पॉइंट पे लाइन आपकी टेंजेंट बनेगी ना, ये कर्व बनाना है टेंजेंट को टच करके जाएगी, इसको क्या जाएगी टच करके, तो ये डायग्राम ऐसे आएगा फिर दोबारा ऊपर फिर दोबारा इसको, ये फिक्स डायग्राम है सही, ये एफ एक्स का डायग्राम है, तो देखो ये जीरो बना गया, तो ये एग्जैक्ट डायग्राम है वाई इक्वल टू एफ एक्स का, आगे समझ में। ये करने के बाद अब देखो अपन को क्या करना है, इसमें आप कुछ चीजें देख सकते हो, जीरो पे वैल्यू वन है, जब आप इसमें एक्स को वन पुट करते हो तो वन पे क्या आएगा 11, 12, 13, 6 माइनस 6, 12, 1 पे वैल्यू इसकी 1 वाले 1 आने वाली है, तो ये जो अल्फा आ रहा है वो अल्फा कितना है x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 बाई 2, और ये वैल्यू आपकी 1 से छोटी ध्यान रखना, मतलब 1 आपका कहीं इधर आ रहा होगा, ठीक है सारी वैल्यू देख सकते हो कोई बड़ी बात नहीं इसमें, और जरूरत है भी नहीं मेरे को उसमें, वैसे ये इसका एफ एक्स का एग्जैक्ट डायग्राम है, अब इसकी हेल्प से आप जो कुछ पूछा गया वो बता सकते हो, तो क्या पूछा गया देखते हैं अपन फर्स्ट पार्ट में, एग्जैक्टली वन लोकल मिनिमा एंड लो लोकल मैक्सिमा गलत, हाँ फर्स्ट केस में तो पूछा गया कि इस एफ एक्स के लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा क्या होंगे, देखो ये तो लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मिनिमा है, बोलो आए ना, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा पे वैल्यू उनके प्लस माइनस से लेस है, तो ये तो दो लोकल मिनिमा के पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा का, तो क्या आंसर होगा वन लोकल मैक्सिमा एंड टू लोकल मिनिमा, तो इसके अकॉर्डिंग एक आंसर तो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, exactly one local maxima and two local minima, तो इसका तो आंसर आ गया था, इसमें ये मेन कुछ इसमें मेन पार्ट यही था इस क्वेश्चन में कि आपको f dash x का बट f dash x करोगे तो f dash x को तो चेक करना बहुत कॉम्प्लेक्स है कि इसकी रूट्स कैसे निकालोगे आप, तो इसका बेटर ऑप्शन यही था कि आप क्या करो fx को सॉल्व कर सकते हो, और fx को सॉल्व करने से पता चल गया कि इसके फोर रूट है मतलब वो रिपीटेड रिपीटेड है अल्फा अल्फा बीटा बीटा, और अगर एक रूट रिपीटेड है तो उसका एफ डैश एक्स जीरो होगा और उसका भी एफ डैश एक्स जीरो होगा, मतलब इस डबल एफ डैश एक्स के दो रूट तो पता चल चुके हैं अल्फा बीटा और एक रूट कुछ और होगा जो भी है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है एच एक्स, अब देखो मैं इधर ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आपका एच एक्स फंक्शन क्या होगा अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, ये आपका एच एक्स फंक्शन आ गया, अब इसमें क्या पूछा गया देखो, तो एच एक्स फंक्शन रूट एफ एक्स है मतलब आपको इसका पॉजिटिव वाला पार्ट देना है, तो ये लोगे तो देखो आपको इन अल्फा और बीटा को कंसीडर नहीं करना है, अब बोलोगे क्यों नहीं करना भाई, क्योंकि तो क्वेश्चन में एक बात बोली गई है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोली गई कि एफ जी एच आर थ्री रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये तीनों रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है x बिलोंग्स टू r में, तो बेटा अगर ये ऑल थ्री फंक्शंस रियल वैल्यू फंक्शन है तो इसका मतलब hx भी आपका क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देखो ब्लैक बोर्ड पे अल्फा और बीटा पे f ऑफ अल्फा भी जीरो है और f डैश अल्फा भी जीरो है, तो ये जब आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करोगे इसमें इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा डज नॉट एग्जिस्ट करने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अल्फा और बीटा पे फंक्शन डिफाइन नहीं करना है, अल्फा बीटा पे इसको लेट नहीं करना है, इन पॉइंटों को हटा दो इसमें से जीरो, तो जब इन पॉइंटों को हटा दोगे तो अब आप देखो ब्लैक बोर्ड पे भाई इन अल्फा बीटा को अगर आपने कंसीडर कर दिया फिर तो आप बोलोगे सर वही सेम क्वेश्चन हो गया एफएक्स की तरह, बट ये अल्फा बीटा को लेट नहीं करना है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो अपन क्या बोल सकते हैं, अब अपन पढ़ते हैं ऑप्शंस को, एग्जैक्टली वन क्रिटिकल कोण, यस सर हाँ, इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा ये वाला क्योंकि इसकी लोकल मैक्सिमा होगा, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बात भी सही है क्योंकि इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा, देखो ना वैसे लॉजिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट बात करो देखो ये कॉनकेव अपवर्ड है, देखो ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं एफएक्स की बात करता हूं तो इस पे फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड है और बाद में अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे रहेगा तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो ओवरऑल अगर इस फंक्शन से तो ये कॉनकेव आपका डाउनवर्ड है और ये कॉनकेव अपवर्ड है, तो अल्फा और बीटा तो इसमें क्या है अल्फा बीटा पे तो फंक्शन की कॉनकेविटी चेंज होती है, देखो ना
ये कॉनकेव अपवर्ड आ गया, तो ये डाउनवर्ड है और ये आपका अपवर्ड है, तो इसके ये अपवर्ड है और ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो अल्फा बीटा क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। बट अभी तो क्या करना है, सिंपल सी बात ये है कि अल्फा बीटा को लेट करना नहीं है, तो अपन इसमें क्या बोलेंगे कि नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो अगेन देखो एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट, यस सर ये टू आ गया आपका, इसको हटा देते इसमें से, ये टू है, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये भी टू है, एग्जैक्टली वन टेंजेंट पैरेलल टू दिस, यस सर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर अल्फा बीटा को ले लिया तो ये भी तो टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये लेना नहीं है, तो ये भी टू आ, सॉरी फोर्थ भी टू आ गया, और थर्ड गेट एग्जैक्टली वन रियल जीरो, गलत, इसका जीरो तो होगा नहीं ना, क्योंकि अल्फा बीटा है, क्योंकि जीरो यही है इसके, जो आपका एच एक्स फंक्शन है वो एच ऑफ अल्फा भी जीरो मान सकते हैं और एच ऑफ बीटा भी जीरो लेट कर सकते हैं, बट एच एक्स आपका डिफरेंशियबल नहीं है अल्फा बीटा पे, तो अल्फा बीटा को कंसीडर नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो देन इसका थर्ड ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि इसने पूछा कि विच ऑप्शन डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है, तो चलो अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पे, अगले टू क्वेश्चन से 9 10 ये पैसेज 2 पे बेस्ड है, देखो पढ़ो पैसेज में क्या बोला गया, एक फंक्शन है f आपका r2 r में डिफाइन है और fx गिवन है x - 1 x + 2 x - 3 x - 6 माइनस के 100, gx इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 3, gx एक पॉलीनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 3 और 3 से लेस होनी चाहिए, ठीक है, देखते हैं, सच दैट इंटीग्रेशन gx अपॉन fx dx डज नॉट कंटेन एनी लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब gx और gx अपॉन fx का जब आप क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो उसका मीनिंग बोला गया कि उसके इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं, g ऑफ -2 आपको -10 गिवन है, देन आपसे क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, fx हैज टू रियल एंड टू इमेजिनरी रूट्स, fx इज मेनी वन इनटू फंक्शन, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx0, fx0 हैज ऑल फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हैज अपोजिट साइन, मतलब सब फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको या फर्स्ट क्वेश्चन में आपको fx की रूट्स की नेचर की बात की गई, तो देखो मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दे, देखो इसमें क्या करना है बेसिकली, अगर आप इन दोनों को लेट कर दो एक साथ, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, x² - 4x + 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा, x² - 4x - 2, मतलब जो वेरिएबल पार्ट है x² - 4x, वो दोनों में सेम होगा, तो उसको t लेट करके अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या करें, इसको ऐसे लिखते हैं अपन fx = देखो ब्लैक बोर्ड पे फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गया x² - 4x + 3, और बेटा सेकेंड को फोर से करोगे तो x² - 4x - 12 और -100, तो सेपरेट लिखने लिखना, ये लिखने के बाद एक काम करते हैं अपन x² - 4x को बच्चों t लेट कर देते हैं, तो x² - 4x को जब इसमें t पुट करोगे तो देखो fx क्या जाएगा आपका, t + 3 इंटू t - 12 - 100, देखते हैं इसके और फैक्टर कर सकते हैं, तो क्या t² - 12t + 3t - 9t, और ये आ गया 36, तो 136 आ गया। अब देखो इसके कुछ फैक्टर वैक्टर हो सकते हैं कि 136 को 9 मिलाना है, तो देखो अलग से देख लेते हैं, टू कॉमन लेना, ये हो गए 17 और 8, तो 17 और 8 का डिफरेंस 9 होता है, तो क्या जाएगा उसके इफेक्ट होंगे t - 17, क्योंकि 9 नेगेटिव मिलाना और t + 8, बोलो है ना, तो t² - 17t - 8t + यस सर, चलो ये इसके इफेक्ट हो चुके, इसका मीनिंग अब आपका फंक्शन आ गया fx = क्या, अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दो आप आराम से, तो क्या जाएगा ये x² - 4x + 8 × x² - 4x + ये अपना ओरिजिन क्वेश्चन है, सॉरी माइनस है, ये fx फंक्शन आ गया, आपने क्या किया फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई किया, सेकंड फोर्थ को मल्टीप्लाई किया, उसको टी लेट किया, आफ्टर दैट इसको अगेन मल्टीप्लाई,
टी में क्वाड्रेटिक उसके फैक्टर की और टी की वैल्यू पुट की, देन फंक्शन आ गया आपका दिस पार्ट, इसको रिमूव कर देते इसमें से। अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, अब इसको सॉल्व कर दो, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही तो सॉल्व करना है ना। तो जब आप एफ एक्स को बच्चों जीरो करोगे तो एक तो क्या दिस इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो देखो ढंग से, इसका तो डी नेगेटिव है तो इसके रूट तो क्या होंगे इमेजिनरी, और इसका डी पॉजिटिव है तो हाँ इसके रूट 100% रियल होंगे। और देखो उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या रहा है, माइनस के 17, इसका मीनिंग वन रूट पॉजिटिव होगा, सेकंड रूट आपका नेगेटिव होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आने वाला है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, टू रियल एंड टू इमेजिनरी रूट्स, ये आपका ट्रू है। एफ एक्स इज मैन्युअल फंक्शन, यस सर, एफ एक्स क्या होगा आपका मैन्युअल फंक्शन होगा। और सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन गिवन है वो आपका आर टू आर में डिफाइन है, फंक्शन क्या आर टू आर में डिफाइन है। देखो ये इमेजिनरी है ना, इसके दो रूट है अल्फा बीटा, इसके दो रूट अल्फा बीटा, तो एफ ऑफ अल्फा भी जीरो होगा, एफ ऑफ बीटा भी जीरो होगा 100%, इसका मतलब ये मैन्युअल फंक्शन है। और ये आपको पता होगा शायद, ये एक्स की पावर फोर में वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स की पावर फोर का जो डायग्राम बनाओगे आप तो जीरो इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी होगा और माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी होगा, मतलब इसका जो रफली डायग्राम बनाओगे, अभी तो चलो मैंने चार रूट बना दिए इसके, अगर आप टू रूट लेके काम करोगे इसमें तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम कैसे होगा, दो रूट है इसके, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम ऐसे बनेगा फिक्स है, तो ये क्या होगा मैन्युअल फंक्शन हो गया ना। और ये ऑन टू है क्योंकि इसकी रेंज क्या होगी, दिस पॉइंट से इनफाइनाइट, तो इसकी रेंज आर नहीं है तो ये फंक्शन इन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा। रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स जीरो है अपोजिशन, यस सर, एक रूट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये भी ट्रू आ गया। एफ एक्स इक्वल टू जीरो है ऑल फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट रो, ये आपका फॉल्स आ गया। तो इसने पूछा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो इसका तो आपको फोर ऑप्शन फिल करना है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलो फिर अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इज दिस पार्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इज दिस पार्ट, मतलब आपको जी एक्स फंक्शन को करना फाइंड आउट। तो चलो करते, मैंने एफ एक्स फंक्शन और हटा दिया, इसको दोबारा लिखते हैं, क्या था एफ एक्स फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस प्लस एट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस के 17। अब देखो जी एक्स फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, उस इंटीग्रेशन की हेल्प यूज करनी है। क्वेश्चन में बात बोली गई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ gx अपॉन fx डज नॉट कंटेन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो आप एक काम करोगे, gx फंक्शन आपका डिग्री 3 से लेस है, तो अपॉन में तो y क्वाड्रेटिक है, मतलब अपॉन में तो डिग्री 4 है, न्यूमरेटर में डिग्री 4 से लेस है, इसका मीनिंग ये क्या है, ये रेशनल फंक्शन है। और जब भी रेशनल फंक्शन का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो आप यूज करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्या यूज करोगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो आप क्या करोगे, जी एक्स अपॉन अपॉन में कौन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस के 17। अब आपको शायद ये बात पता होगी बेटा, इसके तो फैक्टर नॉट पॉसिबल, इसके फैक्टर भी नहीं कर सकते आप। अगर फैक्टर इज पॉसिबल यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, अगर इसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर सकते हो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, फिर तो अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस b अपॉन x माइनस बीटा प्लस cx प्लस d अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। बट इसके भी आप फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, तो इसको भी क्या करोगे आप पार्शियल फ्रैक्शन में किस फॉर्मेट में लिखोगे, देखो फर्स्ट को तो लिखना है आपको ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस के 17। ये लिखने के बाद देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, थोड़ा इसको केयरफुली देखना, एक बात को सोचो, जो ये वाला पार्ट है आपका, इसको जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये कौन सी फॉर्मेट आने वाली, चलो एक बार लिख के देख लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो बेटा x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस के 21। और आपको सोचो इसमें दो काम कर सकते हो आप, ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है 3x + d, इसको क्या करो, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा 2x - 4। तो cx + d को अगर आप
2x माइनस 4 प्लस कांस्टेंट की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे। सिंपल सी बात ये कि इसको क्या करो, ये x स्क्वायर माइनस 4x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 4। तो आपने cx + d को क्या किया, 2x माइनस 4 प्लस कांस्टेंट पार्ट में अगर रिप्लेस कर दिया तो देखो इससे क्या होगा, दिस अपॉन दिस का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो लॉग में आने वाला है, और c अपॉन दिस पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो c अपॉन दिस पार्ट, तो c तो कांस्टेंट है तो क्या बन गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के इंटीग्रेशन में भी किसका रोल होगा, लॉग का। मतलब आप इसको इंटीग्रेट करोगे सेकंड टर्म को तो दोनों में लॉग प्रेजेंट होगा, बट क्वेश्चन ने मना किया गया कि दिस डज नॉट कंटेन लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसका मीनिंग c और d दोनों आपके इस केस में जीरो होंगे। अब अगर आप इसकी बात करते हो तो देखो ये भी आपका ax + b फॉर्मेट है, तो जब भी आपको px + q / ax स्क्वायर / bx + c का क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो एक सिंपल सी बात ये है, इस ax + b को क्या लिखोगे आप, 2x - 4 + सम कांस्टेंट टर्म में, हां या ना, जैसे भी है। ये करने के बाद देखो दिस अपॉन दिस क्या होगा, दिस अपॉन दिस क्या बनेगा आपका, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन, और b अपॉन c, मतलब b अपॉन दिस पार्ट, इसको अपन इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या चीज है आपका x - 2 का होल स्क्वायर + 4, तो ये b तो आपका कांस्टेंट है तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स x अपॉन a का इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो आउटपुट है, इस इंटीग्रेशन का जो आउटपुट है वो डज नॉट कंटेन एनी लॉगरिथमिक फंक्शन, तो देन a c and d ऑल थ्री आर जीरो। अगर a c d आपके तीनों जीरो होंगे उस केस में क्या होगा, b अपॉन दिस पार्ट, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या होगा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, a इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू जीरो। तो a c d को जब आप इसमें जीरो पुट करोगे तो देखो अपना क्वेश्चन क्या जाएगा, अब सीधा लिख देते इंटीग्रेशन, या पहले इसको लिख देते अगेन, तो a c d को जीरो मारोगे तो आ गया g x अपॉन दिस इनटू दिस इक्वल टू क्या आ गया, b अपॉन दिस, दिस का मीनिंग ये वाला पार्ट। तो देखो ये वाला पार्ट तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, तो एक पार्ट कैंसिल आउट करोगे तो इससे सीधा जी एक्स फंक्शन आ गया b इनटू कौन सा, दिस फंक्शन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k 70, ये जी एक्स फंक्शन होगा। और जी एक्स की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में आपको एक लाइन गिवन है, जी ऑफ माइनस 2 इक्वल टू माइनस 10। तो चलो x को जब आप इसमें माइनस 2 पुट करोगे तो g माइनस 2 तो आ गया माइनस के 10 इक्वल टू b, ब्रैकेट में पुट करो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 8 12, तो माइनस के 5 आ गया, तो देन माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो b कितना आ गया 2। तो b को जब 2 पुट करोगे तो आपका जी एक्स फंक्शन आ गया ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 70, ठीक है। तो चलो अब इसको उसमें से रिमूव कर देते हैं, तो gx फंक्शन आ गया आपका ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k 70। अब अपन इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ gx अपॉन fx इक्वल टू क्या जाएगा, देखो 2 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 70 और अपॉन में ये दोनों फैक्टर हैं, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया ट्वाइस ऑफ dx अपॉन कौन सा फैक्टर बचा, दिस पार्ट, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 2 as it is, a भी आपका 2 है तो अपॉन में a होगा, और ये आ गया tan इनवर्स x अपॉन a, तो दिस इज x माइनस 2 अपॉन 2। तो देखो अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये आने के बाद अब अपन ऑप्शंस की बात करते हैं, तो देखो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में तो क्या करना है, इसमें लिमिट लगानी है 0 से 4। तो ये लो, जब आप इस पे लिमिट लगाओगे 0 से 4 तो 2 कैंसिल हो गया ना, तो 4 पुट करने पे क्या आ गया 4 अपॉन 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू होगी पाई बाय 4, 0 पुट करने पे आ गया tan इनवर्स माइनस 1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 माइनस माइनस पाई बाय 4 तो ये आ गया 5 बाय 2, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तो इसका थर्ड ही आ गया, इसने ये पूछा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बट अगर आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई करना है तो देखो फर्स्ट और सेकंड में पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इज, तो देखो जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए सिंपल क्या करो, ये जी एक्स फंक्शन को लिख सकते हैं ना अपन, क्या एक्स माइनस टू का
होल स्क्वायर माइनस के 21, तो इसकी मिनी वैल्यू क्या होगी? जब होल स्क्वायर को मिनिमम जीरो लोगे आप, तो इसकी मिनी वैल्यू क्या होगी? x को 2 लेने पे gx की मिनी वैल्यू क्या आने वाली है? माइनस 21 इंटू माइनस के 40 जीरो। तो देखो अगेन पुट करते हैं इसको, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज माइनस 42, यस, बट x इक्वल टू माइनस, ये गलत है। ये जो मिनिमम वैल्यू है माइनस 42 कब अचीव होगी? जब x को आप 2 कंसीडर करोगे, और मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज माइनस 21, ये वैसे ही फॉल्स हो गया। तो अब इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। चलो तो चलो अपन अब बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमंग ऑल रेगुलर स्क्वायर्स पिरामिड्स ऑफ वॉल्यूम 36√2 सेंटीमीटर क्यूब, इफ एक्स इज इट्स साइड ऑफ स्क्वायर बेस एंड वाई इज इट्स हाइट, देन फॉर लीस्ट लेटरल सरफेस एरिया, मतलब उसका लेटरल सरफेस एरिया का लीस्ट है, तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेगुलर स्क्वायर पिरामिड का मीनिंग क्या है कि उसका जो बेस है पिरामिड का वो आपका एक स्क्वायर है। अभी 3D का डायग्राम है, इसका मीनिंग ऐसे है कि जैसे लेट ये अगर आपका पिरामिड है तो वो इस टाइप से होगा। आप थोड़ा समझ सकते हो उसको केयरफुली, जैसे लेट ये अगर उसका बेस है, ठीक है ना, तो बेस है तो इस टाइप से लेना है उसको अपन को, ये लो ठीक है, ऐसे दो पेन लोगे ना तो इस टाइप से जब ज्वाइन करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड बोला गया, ठीक है। तो थोड़ा 3D में सोचना अपन को। तो चलो इसके बाद अपन देखते हैं कि आगे क्या करना है क्वेश्चन। तो देखें आप, तो स्क्वायर पिरामिड है, तो अभी तो मैं रफली बनाने के लिए इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ये स्पेस में ध्यान रखना डायग्राम आपका, मतलब ये ऐसे है, ये इसकी, ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट h है, और बाद में इन पॉइंटों को इससे ज्वाइन करना, ठीक है। समझने के लिए आप ऐसे मान लो ये O है, तो इनको ऐसे ज्वाइन किया गया, ठीक है, ठीक है। चलो तो देखो अपन थोड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी और डी, ये इसका वो है। अब सुनो, ये इसकी हाइट है, ये लेट पॉइंट आपका ओ है, और ये लेट पॉइंट आपका पी है। तो ये हाइट एच है ना, तो ये लो अरफ में देखो, ये पी है आपका, तो ओपी आपको हाइट गिवन है एच, और स्क्वायर की लेंथ गिवन है एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बोला गया, पिरामिड का वॉल्यूम गिवन है। तो देखो आप जो वॉल्यूम है आपको फाइंड आउट करना है पिरामिड का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 जो प्रिज्म का एरिया, वो सब में वैलिड है आपका, प्रिज्म के एरिया से फाइंड आउट करोगे आप, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। तो देखो 1/3 बेस एरिया, तो देखो जो पिरामिड है आपका उसका बेस तो कौन है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया तो क्या गया, एक्स स्क्वायर इनटू उसकी हाइट कौन सी होगी, एच। तो ये लो ये आ गया आपका, ठीक है। तो वॉल्यूम तो आ गया एक्स स्क्वायर एच अपॉन 3, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब देखो अपन को करना क्या है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है कि जो बेस है उससे जो आपने ये बनाए पॉइंट्स, ये वाले ए से जॉइन किया फिर डी से किया, तो ये जो आपके ट्रायंगुलर बनेंगे ना, ट्रायंगुलर ये वाले, इसीलिए ये लेट इसका बेस है, तो ये हाइट है ना, तो ये अगर हाइट है तो जैसे लेट ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, तो ओ ए पी ए, तो एक तो ये आपका लेटरल होगा, एक इधर वाला, एक इधर वाला, इधर वाला, और आपको पता है इसका बेस अगर स्क्वायर है और हाइट एच है, तो ये चारों ट्रायंगल के एरिया है वो क्या होंगे, सेम होंगे, और इन ऑल फोर ट्रायंगल का जो एरिया है यही क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये चारों तरफ से कवर्ड है, ठीक है। तो देन लिखते हैं अपन इसका जो सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, 4 times ऑफ ट्रायंगल का एरिया। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे करोगे कैलकुलेट, ये इसमें मेन पार्ट है, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना भाई, इसको मैं आपको रफ में बताता हूँ। देखो ये ए आपका, ये बी, और ये आपका पॉइंट पी, तो आपको ए बी पी जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया लिखना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। देखो ब्लैक बोर्ड पे बेस तो इसका ए बी है, और इसकी हाइट कौन सी होगी, देखो इस पॉइंट पी से जब आप इस ए बी पे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो वो उसकी क्या होगी हाइट। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे ये ओ पी सेगमेंट है आपका, ये ए बी है, और ये इस टाइप से जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो ट्रायंगल बनेगा उसके एरिया के लिए इससे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, तो वो मिड में मीट करेगा ना। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे ये एच है आपका, और ये जो पार्ट है आपका ये एच है, ये एक्स वाई टू है आपका, तो देन जब मीट करोगे
तो जो ये लेंथ है ना आपकी, ये क्या होगी, ये इसके परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, हाँ है ना। ये थोड़ा सरफेस पे देखना भाई, आप ऐसे मानो ना ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ट्राइंगल आपको ऐसे बनाएंगे, देखो इसको काट दो ए बी, ये ऐसे, तो आप इससे ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही जाएगा ना, तो ये लेंथ आपकी, ये परपेंडिकुलर है, तो देखो ये तो इसकी हाइट एच है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका नीचे वाला, ये आपका एक्स वाई टू है, तो ये कितनी जाएगी आपकी बताओ, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई टू का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो देन आप लिख सकते हो, तो अपन लिख सकते हैं क्या, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ वन बाई टू, इसका बेस तो आ गया एक्स बाई टू, सॉरी बेस तो क्या आ गया एक्स, ए बी की लेंथ, और हाइट क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई टू का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई फोर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका जाएगा, ठीक है। टू से टू कैंसिल, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या, टू इस एक्स को भी अंदर भेजो तो टू रूट एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब इस लेटरल सरफेस एरिया को आपको मिनिमाइज करना है, लीस्ट करना है, तो देन क्या करोगे, एक काम करो, इससे अपन एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं, तो इससे एच की वैल्यू क्या होगी, थ्री बी अपॉन एक्स स्क्वायर, इस एच की वैल्यू को सिर्फ पुट कर देते हैं, आफ्टर दैट क्या करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो टू रूट प्लस, देखो एच स्क्वायर करने पे जाएगा नाइन वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फोर, तो अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर, यस सर। अब इस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो रूट है ना, तो केवल आपको इस रूट के अंदर वाले पार्ट को मिनिमाइज करना है, तो रूट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलो इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको अपन जेड लेट कर लेते हैं, और डी जेड वाई डी एक्स की बात करोगे तो उसका डी जेड वाई डी एक्स क्या होगा, फोर एक्स क्यूब, तो ये तो एक्स क्यूब आ गया, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस के टू अपॉन एक्स क्यूब, तो आ गया माइनस के एटीन वी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यस सर। चाहो तो एक्स क्यूब एलसीएम ले लेना, तो क्या आ गया एक्स की पावर सिक्स माइनस एटीन वी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो देखो ये x की किसी ने किसी वैल्यू पे जीरो होगा ना, तो प्लस माइनस, तो क्या आ गया, जब x की वैल्यू पे जब जीरो होगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इसका एरिया लीस्ट होगा, तो चलो x की वैल्यू के लिए क्या करोगे, x की पावर 6 इक्वल टू आ गया 18 इनटू v स्क्वायर, वॉल्यूम आपको गिवन है तो ये भी पुट कर दो, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या आ गया x की पावर 6 आ गया 36 का क्यूब, तो x स्क्वायर इज 36, तो x आ गया 6, ठीक है ना, तो इससे x तो आ गया 6, और x की वैल्यू को कहां पुट करें, इधर पुट कर देते हैं, क्योंकि हाइट चाहिए ना, तो ये लो 3, वॉल्यूम कितना है इसका 36 रूट 6 अपॉन 36, ये कैंसिल, तो हाइट क्या जाएगी 3 रूट, ये लो, तो हाइट इसने y बोली है क्वेश्चन में, तो x तो 6 हो गया, और y आ गया 3 रूट 2 का मीनिंग रूट 18, तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा 3D में सोचना, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि लेट f बी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन R डिफाइंड एज fx इक्वल टू दिस पार्ट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑब्लिक करेक्ट, तो बताना कौन-कौन से ऑप्शन करेक्ट है, f डैश c 0 होगा, सम c 0 से 1 में, f डबल डैश x वेनिशेस एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, fx इज एन इवन फंक्शन मोनोटोनिक इन दिस पार्ट, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है, देखो ये तो वैसे ही रहोगे ना, क्योंकि x को माइनस x लोगे तो ये तो x की पावर 4 हो गए, 1 प्लस x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये तो फॉल्स है आपका स्टेटमेंट। रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट को करने के लिए, एक में तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में तो f डैश x की बात की गई है, सेकेंड ऑप्शन में डबल डैश की बात की गई, इसका मतलब इसका डबल डैश तो करना ही पड़ेगा आपको, चलो इसका करते हैं अपन डिफरेंशिएशन फर्स्ट इनटू सेकंड से, तो देखो इसका f डैश x क्या जाएगा, पहले x की पावर 4 का करो तो 4x क्यूब, एक काम करें अपन इसको सिंपल, चलो मल्टीप्लाई मत करो दिक्कत हो जाएगा फिर, तो ऐसे ही रखते हैं, प्लस अगला x की पावर 4 है जी, पावर का करोगे तो 2 इनटू 1 माइनस x, और 1 माइनस x का करोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, इसमें से कॉमन सम ले ले थोड़ा, इसमें कॉमन आ गया 2x क्यूब, तो जब इसमें सॉरी 2x क्यूब इनटू 1 माइनस x, क्या कॉमन आ गया 2
एक्स क्यूब इंटू वन माइनस एक्स, तो जब ये वाला पार्ट आप कॉमन लोगे, टू एक्स क्यूब इंटू वन माइनस एक्स कॉमन लोगे, तो देखो क्या गया, एक तो टू आ गया, एक वन माइनस एक्स आ गया, तो ये तो आ गया टू माइनस टू एक्स, और इधर क्या आ गया देखो, टू इंटू वन माइनस एक्स और एक्स क्यूब कॉमन, तो हो जाएगा माइनस के एक्स, तो देन ये आ गया टू एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स है ये, टू माइनस थ्री एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये आ गया एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस के टू। यस सर, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जीरो पे जीरो है, ये टू अपॉन थ्री पे जीरो है थर्ड फैक्टर, ये वन पे जीरो है, सब पे पावर ऑड है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो जीरो पे और वन पे तो लोकल मिनिमा होगा और टू अपॉन थ्री पे होगा लोकल मैक्सिमा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आ गया ना, एफ डैश सी जीरो फॉर सम सी बिलोंग टू जीरो से वन। यस सर, जीरो से वन में ये एफ डैश टू अपॉन थ्री जीरो आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, हाँ, जीरो से टू बाई थ्री और वन से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो ये भी आपका ट्रू आ गया। ठीक है, तो उसने पूछा टू ऑप्शन, तो फर्स्ट और थर्ड तो करेक्ट होगा। डबल डैश एक्स वैनिशेस एग्जैक्टली ट्वाइस इन आर, कि डबल डैश आपका टू पॉइंटों पे क्या होगा, जीरो होगा, तो एक बार बताओ, वैसे लॉजिकली पता तो चल गया ना, इसको अपन उससे कर सकते हैं रोज थ्योरम से, एफ डैश जीरो आपका जीरो है, एफ डैश टू अपॉन थ्री आपका जीरो है, और एफ डैश वन भी आपका जीरो है, इसका मीनिंग इन दोनों के बिटवीन 100% एफ डैश जीरो होगा, और इन दोनों के बिटवीन भी 100% एफ डैश एक्स आपका जीरो होगा, दो पॉइंटों पे तो 100% क्या होगा, जीरो होगा। बट एक बात थोड़ा सोचो, देखो ये जो एफ डैश एक्स है इसकी डिग्री कितनी है, 1, 2, 5, इसकी डिग्री 5 है, तो डबल डैश की डिग्री 4 होगी, क्या होगी, डबल डैश की डिग्री 4 होगी, बात को सुनना केयरफुली, और अगर डबल डैश की डिग्री 4 है तो या तो डबल डैश एक्स पावर 4 है इसकी, तो या तो चारों के चारों रूट रियल होंगे या 2 रियल है 2 इमेजिनरी होंगे, हाँ या ना। देखो इससे एक बात पता चल चुकी है, एफ डैश एक्स तीन पॉइंटों पे जीरो है, तो डबल डैश के दो रूट तो आ चुके हैं, अब बाकी के जो दो रूट हैं उसके लिए एक काम करें अपन इसका, क्योंकि एटलीस्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है ना इससे, तो डबल डैश एक्स आपका डिग्री 4 का है, तो एफ डबल डैश एक्स के दो रूट तो होंगे इसने, लेकिन दो रूट और भी हो सकते हैं, क्योंकि इसने बोला गया एग्जैक्टली टू वेनाइसिस एग्जैक्टली ट्वाइस, तो ये कोई गारंटी नहीं कि होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब इसका डबल डैश करना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो चलो अपन एक काम करते हैं, किसका करें डबल डैश एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ज्यादा बेटर है इसका डबल डैश एक्स, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, फिर इसका करते हैं डबल डैश एक्स, तो चलो करते हैं इसका डबल डैश एक्स, किधर करें, इधर देख लेते हैं, ये लो, तो देखो इसका एफ डैश एक्स को थोड़ा आगे रीराइट करते हैं, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखो टू एक्स फोर को अंदर ले जाओ, तो एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब इंटू, इसको रखो एज इट इज। यस सर, अब इसका करते हैं अपन एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स, तो क्या जाएगा, देखो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब, और ये आ गया ओनली थ्री। यस सर, माइनस ट्वाइस ऑफ सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का क्या होगा, तो क्या आ गया फोर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सिंपलीफाई करो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो आ गया 6, x क्यूब कॉमन आ गया, तो x माइनस 1। यस सर, गुणा भाग करने और क्या करें, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ गया माइनस के 2x स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 3। ठीक है, गुणा भाग करने ही पड़ेंगे अपन, ज्यादा से ज्यादा आप 2 और x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ गया, देखो 2x स्क्वायर कॉमन लेने पे आ गया 3x इनटू x माइनस 1, मतलब 3x स्क्वायर माइनस के 3x, हाँ है ना। और अगला पार्ट क्या जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर कॉमन ली हटाओ तो 3x और 4x माइनस के 12x स्क्वायर, माइनस के 9 और माइनस के 8, माइनस के 17, तो प्लस के 17x और प्लस 6, तो माइनस के, ये इसका आ गया डबल डैश एक्स। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो तो क्या गया 2x स्क्वायर इंटू
माइनस के 9x2, ठीक है, उसके बाद प्लस के 14x और माइनस के 6 आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद थोड़ा अगेन इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसकी f डैश x की डिग्री तो आपकी कितनी है, 3, 4, 5, तो f डैश x की डिग्री 5 है तो डबल डैश x की डिग्री 4 होगी, तो ठीक बात है, ठीक है। तो देखो इससे तो ये पता चला कि f डैश x के 100% दो रूट तो होंगे, एक रूट तो होगा 0 से लेके 2/3 के बिटवीन और एक रूट होगा 2/3 से 1 के बिटवीन, ठीक है ना। वैसे आप एक बात इसमें देख के बोल सकते हो क्योंकि पता चल गया मेरे को, देखो एक रूट इसके बिटवीन होगा, एक रूट इसके बिटवीन है, तो वो चीज तो आपको इससे मिलने वाली है। और ये देखो f डबल डैश x 0 पे 0 आ रहा है, मतलब f डैश x भी 0 पे 0 है, डबल डैश x भी 0 है, इसका मतलब ये इसका रिपीटेड, अरे देखो ना डबल डैश x है तो 0 इसको दो बार सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 0 इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट होगा, तो इसके क्या बोलोगे एग्जैक्टली 4, ये 3 पॉइंटों पे 0 होगा, 0 पे और 2 पॉइंट आपके इसके बिटवीन होंगे, ठीक है ना। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। और वैसे आप है ना इसको यहां समझ सकते हो, देखो ये f डैश x है ना, अपन को पता है अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, तो ये तो ठीक है कि इनसे तो पता चलेगा कि दो रूट तो 100% आने वाला है। इसको आप एक नया फंक्शन ऐड करो तो ये 0 पे 0 आ रहा है और इसका f डैश x करोगे ना दोबारा डबल डैश x, तो x क्यूब में तो दोबारा 6x² आने वाला है, तो अगेन ये डबल डैश भी इसका 0 आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ये पूरा डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं इसमें, इसको अपन एक ऐसे लिख लेते हैं f डैश x इक्वल टू 2x³ × gx। तो ये तो पता चल गया कि दो रूट तो 100% f डैश x में 0 होंगे, इसके 0 से 2/3 में रूट होगा, एक 2/3 से 1 होगा। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसका अगर डबल डैश x करोगे आप तो क्या आएगा, 6x² gx प्लस x³ × g डैश x, तो देन f डबल डैश 0 भी 0 आ गया, इसका मीनिंग एक रूट इसका x इक्वल टू 0 होगा। और एक बार और आने वाला है क्योंकि ट्रिपल डैश में भी x का रोल होगा, तो ट्रिपल डैश x भी 0 आएगा, मतलब 0 डबल डैश x का रिपीटेड रूट है, तो इसके ऑल फोर रूट्स रियल होंगे, और वो कौन होंगे, 0 एक रूट 0 से 2/3 के बिटवीन और थर्ड रूट इज 2/3 से 1 के बिटवीन। तो अभी इसका ओनली फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में बोला गया है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1 एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2√2 बिटवीन द लाइन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। थोड़ा देखो केयरफुली देखना, आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पॉइंट पी से पास होती है और इन दो लाइनों के बिटवीन इंटरसेप्ट कट करती है 2√2 का। तो देखो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, ये जो लाइंस गिवन है आपको 5x प्लस 12y माइनस 36 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक काम करें अपन, इन दोनों लाइनों के बिटवीन निकालते हैं डिस्टेंस, तो इनके डिस्टेंस क्या होगी, c2 माइनस c1 का मोड अपॉन रूट ए बी स्क्वायर, तो c2 माइनस c1 तो आ गया 26 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया 13, तो इसका डी आ गया, मतलब इन दोनों लाइनों की जो पैरेलल डिस्टेंस है वो आपकी 2 है। तो देखो एक ब्लैक बोर्ड पे इन बोथ लाइंस की जो पैरेलल डिस्टेंस है वो आपकी 2 है, तो ये डिस्टेंस आपकी अगर 2 है तो एक बात बताओ, जो पॉइंट पी से लाइन पास होगी वो अगर 2√2 लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है तो इसका मतलब वो लाइन, वो डिस्टेंस क्या होगी इसकी, ये लाइन, ये डिस्टेंस नहीं होगी, मतलब वो इसकी एंगल वाली डिस्टेंस होगी, मेरी बात समझे सभी, ये 2 है तो ये 2√2 हो सकती है, ठीक है, इधर हो सकती है जो भी है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है क्वेश्चन में, इसको तो हटा देते हैं। क्वेश्चन को करने के वैसे दो मेथड है लेकिन बहुत अच्छा मेथड देखो क्या है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और ये देखना जो ये पॉइंट है आपका -1, 1, इस पॉइंट को जब दोनों लाइनों में पुट करोगे तो ये पुट करने पे दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, अरे 36 को ले आओ ना, तो नेगेटिव 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 और नेगेटिव 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 आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट पी लाइज ऑन दी सेम साइड ऑफ दी लाइन, तो देखो पॉइंट पी को अपन इधर मान लेते हैं, तो क्या होगा 2√2 लेंथ का जो इंटरसेप्ट है वो एंगल पे होगा ना आपका, नॉन पैरेलल होगा वो, और एक इंटरसेप्ट इधर होगा 100%, क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करोगे आप ऐसे
तो ये डिस्टेंस आपकी 2a, तो 2 रूट 2 ये हो सकती है, तो 100% इसके 2 आंसर्स आने वाले ज्योमेट्रिकली। अब सिंपल सी बात है, ये लाइन पे पॉइंट तो पता है, बस कैसे भी करके इस लाइन का स्लोप हो जाए तो कार्यक्रम फिनिश हो गया। तो देखो कैसे करना है, एक ऑप्शन तो क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म, -1, -1 से एक लाइन पास होती है, एक आर्बिट्री डिस्टेंस लेट करके क्या करो, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो इक्वेशन x+1/cos θ = मैं समझा देता हूं आपको, बट ये लेंथी प्रोसीजर है इस क्वेश्चन में। r तो एक बार तो इक्वल टू r लेट करो, तो xy जो आएगा वो लेट कर देना, ये वाला पॉइंट है ये, और पॉइंट ए लाई होंगी लाइन l1, तो आपको r और cos θ में एक रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद अगली डिस्टेंस क्या होगी, r+√2 एक बार लेना r+√2, तो अगेन एक्स वाई की वैल्यू को सेकंड में पुट करना, और पुट करने के बाद आपको क्या करना है, उन दोनों से आर का करना है एलिमिनेशन, तो साइन कोस में रिलेशन आएगा, उसकी आप दोनों तरफ कर देना स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने से आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, टेन थीटा, तो उससे टेन थीटा की 2 वैल्यू जाने वाली है, और वो दोनों वैल्यू क्या होंगे, इस लाइन के स्लोप्स होंगे m1 m2, ये सब तो आप उससे भी कर सकते हो फाइंड आउट। एक मेथड तो पैरामेट्रिक फॉर्म, बट ये थोड़ा सा लेंथी लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। सेकेंड मेथड देखो क्या, बस आपका एक ही मोटिव है, इस लाइन का स्लोप, तो देखो इससे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो ये क्या डिस्टेंस 2 है ना आपकी, तो ये हाइपोटेन्यूज देखो, ये भी 2 आ गया, हाँ है ना, ये 2, तो ये एंगल आ गया आपका 45 डिग्री, थोड़ा केयरफुली देखना ब्लैक बोर्ड पे, ये 45 डिग्री एंगल है, इस लाइन का स्लोप m है, और इस l1 l2 लाइन का स्लोप है 5/12, माइनस के 5/12, तो कुछ मत करना ना, सीधा tan 45 का फॉर्मूला m1 - m2/1 + m1 m2, क्या लिखोगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू मोड ऑफ m1 - m2, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, अपॉन 1 + m1 m2, तो माइनस 5/12, tan थीटा बना गया, तो जब आप मोड हटाओगे तो क्या जाएगा, सीधा 12 से मल्टीप्लाई और कर दो, ये लो 12m + 5 = ±12 - 5, यस सर, एक बार तो लेना टेकिंग प्लस और एक बार लेना टेकिंग माइनस, तो आपको m की 2 वैल्यूज मिलेंगी, m की बहुत वैल्यू आने के बाद पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 = m, जब आप x और y1 और m की वैल्यू पुट करोगे 1/1, तो देन आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अचीव कर पाओगे, ठीक है ना, इसका फर्स्ट और सेकंड आंसर मिल जाएगा, तो सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है बेटा, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, लेट fx गिवन है आपको cos²x e^10x, x गिवन है -5/2 से +5/2, तो देन आपको बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, f'(x) पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, "" x नो रूट्स, मतलब आपको क्या बोला गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन में बोला गया है f'(x) का लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम बताना है, नॉट f'(x) का, f'(x) fx का लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम चेक करना है, फिर तो आप f'(x) की नंबर लाइन बनाओगे, इसने बोला है f'(x) किन पॉइंटों पे लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम अचीव करता है, तो आपको "" x की नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो एक काम करें अपन फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का करते हैं ट्वाइस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो देखो फर्स्ट इनटू सेकंड अप्लाई कर देना इसमें, तो लिख लेते हैं f'(x) क्या आएगा, cos²x e^10x का e^10x इनटू sec²x प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2cos(x) का -2cos(x) इनटू sin(x), देखो cos² से sec² तो चला गया प्रोग्राम से बाहर, तो सिंपल f'(x) क्या आ गया बताओ बच्चों, e^10x और माइनस e^10x, तो 1 कॉमन, e^10x कॉमन, तो क्या आ गया 1 - sin²x, आ गया लो ये आ गया आपका f'(x), अब एक बार अगेन कर देते "" x, तो इसका f"" x क्या आने वाला, वही फर्स्ट इनटू सेकंड, तो e^10x का e^10x इनटू sec²x सेकंड फंक्शन एज इट इज, यस सर, उसके बाद क्या करोगे प्लस फर्स्ट फंक्शन e^10x एज इट इज और 1 - sin²x का, तो 1 का तो आ गया 0 और sin²x का क्या जाएगा -2cos²x,
देखो इसका एफ डबल डैश एक्स क्या गया फाइनल, ई की पावर टेन एक्स दोनों में ले लो कॉमन। अब आप ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा ढंग से देखना और इस sec स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो sec स्क्वायर x लिख सकते हैं ना 1 plus tan स्क्वायर x माइनस, और देखो ये आएगा sec स्क्वायर x * sin 2x, और sin 2x का फार्मूला क्या होगा 2 sin x cos x, या फिर एक काम करो ना, हां ये आ गया sec स्क्वायर x * 2 sin x cos x, तो एक cos तो कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2 sin x sec x, और sec x को अपॉन में लेके आओगे तो ये बन जाएगा माइनस की 2 tan x। हां है ना, ये तो आ गया दिस पार्ट, और e की पावर 10x इसमें से भी कॉमन लोग किया जाएगा माइनस के 2 cos स्क्वायर x, और cos 2x का फार्मूला लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको कंप्लीटली tan में कन्वर्ट कर देते हैं, tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। हां है ना, तो ये डिफरेंशिएशन आपको करने पड़ेगा डबल डैश। अब ये करने के बाद थोड़ा इसको प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो क्या होगा f डबल डैश x इक्वल टू e की पावर 10x कॉमन आ गया, और देखो ब्रैकेट में क्या आ गया, ये जो पार्ट है ना आपका 1 plus tan स्क्वायर x minus 2 tan x, दिस इज 10x minus 1 का होल स्क्वायर है, ये क्या ब्रो, और माइनस के 2 अगला आ रहा 1 minus tan स्क्वायर x, इसको लिख सकते हो 1 minus tan x 1 plus tan x, 1 minus 10x into 1 plus, ठीक है ना, तो एक काम करें एफ डैश एक्स को हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है, कोई लो अपनी जो स्टेट हो यही काम आने वाली, तो आगे 1 minus 10x into 1 plus 10x अपॉन में क्या 1 plus 10x पर x। अब एक काम करो इसकी कैलकुलेशन के लिए थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, tan x को t पुट करके सॉल्व कर देते हैं फटाफट, तो tan x को t लेट करके जब आप सिंपलीफाई करोगे तो f डबल डैश x क्या आने वाला है, f डबल डैश x इक्वल टू इसको तो tan x ही रखो, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है मेरे को, ये आ गया t माइनस 1, और ये 1 माइनस t है तो माइनस कॉमन लेके इसको भी t माइनस 1 कर सकते हैं, तो देन आप क्या कर सकते हो t माइनस 1 कॉमन लोगे तो इधर आ गया t माइनस 1, ठीक है ना, और इसमें से भी जब t माइनस 1 कॉमन तो माइनस मान लोगे तो प्लस, ये आ गया 1 plus t upon 1 plus t square, yes sir, again आप इसका लो LCM, तो ये आ गया finally e की power 10x into, इसमें तो t की value पुट कर दो, बाद में कोई दिक्कत नहीं, देखो t से कर दो तो t plus t cube, 1 से किया तो minus 1 minus t square, और 2 से किया तो 2 plus 2t square, yes sir, अकोन में आ गया 1 plus t square, ये तो always positive है तो कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, तो simple आपका आ गया e की power 10x 10x minus 1 1 plus 10 square x, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको रख देते हैं इधर, तो positive होगा, और ये जो part है क्या गया t की power 3, ठीक है ना, t square और plus के 2t square, तो प्लस के टी स्क्वायर आ गए और कुछ बचा क्या इसमें, एक बार अगेन देखो टी प्लस टी क्यू माइनस वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू और ये प्लस के टू टी ध्यान, तो माइनस के टी स्क्वायर आ गया ध्यान, ठीक है, टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस के टू टी प्लस के थ्री टी और प्लस के वन, ये आने के बाद इसके अगेन फैक्टर करने हैं आपको, तो देखो इसके फैक्टर कैसे करोगे ये थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि इसको प्रॉपर फैक्टराइज करना है, देखो ब्लैक बोर्ड पे इसको रफ कॉपी में देखे आप अलग से, इसको अगर एक नया फंक्शन मानते हो जी टी, ये क्या है टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस वन, थोड़ा केयरफुली देखना, तो इसका देखो डिफरेंशिएशन, अरे इसमें पुटिंग मेथड से बात नहीं बनेगी क्योंकि ना तो 1 सेटिस्फाई करेगा ना 0 या माइनस 1, कुछ नहीं कर रहा इसको सेटिस्फाई, तो देखो क्या करते हैं इसमें, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस के 2t प्लस 3, और देखो इसका ढंग से d नेगेटिव आ रहा है, तो g डैश x अगर d नेगेटिव है क्वार्टी का d नेगेटिव है तो क्वार्टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो देन g डैश t आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब gt आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन अगर आपका इंक्रीजिंग है तो उसका 100% a की रूट होगा, क्या होगा इस जीटी का एक ही रूट होगा, अब उसकी लोकेशन देखते हैं कि वो रूट क्या हो सकता है, देखो
इस जीटी में जब आप जीरो पुट करोगे टी को तो वन आ गया ना, टी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो देखो वैल्यू बढ़ती जाएगी, देखना आप ये सिंपल सी बात है, जो जीरो पे बना रहा है तो बाद में वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है आपका। तो अब जी माइनस वन की वैल्यू देखो, तो जी माइनस वन देखो क्या आएगा, माइनस, हाँ माइनस आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है नेगेटिव, इसका मीनिंग इस जी टी का एक रूट होगा अल्फा और वो माइनस वन से जीरो के बिटवीन आने वाला, ये फाइनल हो गया इससे, इसका एक रूट होगा जी टी का अल्फा और वो माइनस वन से माइनस वन, माइनस वन से जीरो के बिटवीन आने वाला, ठीक है। तो याद रखें एक तो आ गया टेन एक्स, ये तो पॉजिटिव है, e की पावर टेन एक्स ही पॉजिटिव है, तो एक तो आ गया टेन एक्स माइनस वन और एक आ जाएगा टेन एक्स माइनस की अल्फा, अरे टी की, ये टी माइनस अल्फा है ना, तो टी की वैल्यू क्या है टेन एक्स माइनस अल्फा। तो देखो अब अपन इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को और हटा देते इसमें से, तो क्या लिखोगे इसको, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, या सीधी नंबर लाइन देख लो आप, ये तो पॉजिटिव है इसको गोली मारो, टेन एक्स आपका वन पे जीरो है तो टेन एक्स को टी मान लो, क्या फर्क पड़ना है क्योंकि टेन एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, टेन एक्स कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग, तो टेन एक्स को टी मान के काम करते हो तो वन पे जीरो आ गया, ये अल्फा पे जीरो है, इस पे भी पावर वन है, उस पे भी पावर वन है, तो प्लस माइनस प्लस, तो सिंपल सी बात है अल्फा पे लोकल मैक्सिमम होगा और वन पे लोकल मिनिमा, और जो डबल डैश है आपका, तो ये डबल डेस आपका t इक्वल टू वन और t इक्वल टू अल्फा पे जीरो आ रहा है ना, t का मतलब tan x इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू पाई बाई फोर होगा, अल्फा आपका नेगेटिव है और ये नेगेटिव वैल्यू माइनस वन से बड़ी है, इसका मीनिंग क्या है, देखो tan की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में इंटरवल के ना माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू, ठीक है कोई बात नहीं, ये लो तो एक जीरो इधर आ गया और एक जीरो आपका इधर आ जाएगा, तो डबल डेस x आपका 2.2 पे जीरो भी होगा, एक लोकल मिनिमम एक लोकल मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो चलो अपन वन बाय वन ऑप्शंस को रीड करते हैं, तो ये तो याद रखना सब, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या बोला गया, इसको हटा देते हैं समझने के लिए, देखो पढ़ो f(x) हैज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू, सॉरी लोकल मिनिमा एट, यस सर, माइनस से प्लस, तो पाई बाई फोर पे लोकल मैक्सिमम होगा ना, अरे वन तो अल्फा है, टी है, तो टेन एक्स इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू आ गया पाई बाई फोर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा, एफ डैश एक्स पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इन माइनस पाई, यस सर, क्योंकि जो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है टेन एक्स इक्वल टू अल्फा है और अल्फा आपका माइनस वन से जीरो है, तो आप देखो ना टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन कब होती है, माइनस के पाई बाई फोर पे, तो माइनस वन से बड़ा इधर होगा ना, तो हाँ माइनस पाई बाई फोर से जीरो में 100% इसका लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश एक्स हैज एग्जैक्टली टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम लोकल, यस सर, दो पॉइंट है, एक पे लोकल मिनिमम एक पे लोकल मैक्सिमम, ऑब्लिक लगा रखा है ना माइनस पाई बाई स्क्वायर रूट में, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट आ गया, एफ डबल डैश एक्स हैज नो रूट्स, यस ना, सॉरी रॉन्ग, डबल डैश एक्स का तो रूट एग्जिस्ट करेगा ना, दो रूट है इसके, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो इसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। चलो उसके बाद अपन थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोला गया, लेट पी बी दी प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, पी का मीनिंग क्या है कि ट्राइंगल के जो एंगल है बीसी उनका साइन लेना है, मतलब साइन ए साइन बी साइन सी का प्रोडक्ट आपको पी गिवन है, एन क्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन्स ऑफ द एंगल्स, मतलब तीनों का जो कोसाइन है कोसे कोसमी कोसी उनका प्रोडक्ट आपको क्यू गिवन है, लिख देते हैं इसको, साइन ए साइन बी साइन सी आपको पी गिवन है बेटा, सिमिलरली कोसे कोस बी कोस सी आपको क्यू गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, टेन ए प्लस टेन बी प्लस इन सब की वैल्यू देती है, तो ये आपको पता होगा, देखो फर्स्ट को सेकंड से सीधे डिवाइड कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आ गया टेन ए टेन बी टेन सी का मल्टीप्लाई तो आ गया पी अपॉन टू, और आपको पता है सबको कि ए प्लस बी प्लस सी अगर आपका पाई है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी को क्या लगते हैं टेन ए टेन बी टेन सी, यस सर, मतलब सिग्मा टेन ए का मीनिंग क्या होगा तीनों का मल्टीप्लाई टेन ए टेन बी टेन सी, तो सिग्मा टेन ए सिग्मा टेन ए का मीनिंग है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ये भी क्या गया पी अपॉन क्यू,
तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो देखते हैं, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी पी अपन क्यू, टेन ए टेन बी टेन सी का मल्टीप्लाई भी पी अपन क्यू, तो टू पी अपन क्यू, यस सर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन है टेन ए का सिग्मा प्लस टेन बी टेन सी का सिग्मा, तो देखो टेन ए का सिग्मा तो क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी तो आगे पी अपन क्यू प्लस इसमें क्या होगा, दो दो का मल्टीप्लाई, मतलब सिग्मा टेन ए इंटू टेन बी, इसकी वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू आने के बाद फोर्थ ऑप्शन तो आपका सिंपल है। फोर्थ का मतलब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी बी सी सी, मतलब फोर्थ ऑप्शन तो सिंपल हो जाएगा आपका, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का होल स्क्वायर माइनस टू दो दो का मल्टीप्लाई, मतलब सिग्मा टेन ए टेन बी, मतलब आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या चाहिए, सिग्मा टेन ए टेन बी की वैल्यू चाहिए। और सुन लो बात को, सिग्मा टेन ए टेन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर करने के बाद जब आप पुट करोगे ना दोनों में, तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट आने वाले हैं, ये मान लो अभी, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे आने वाली है, बस आपको अभी दो ही चीज पता है, आपको क्या पता है, टेन ए टेन बी टेन सी का मल्टीप्लाई पी ओपन क्यू है, और कोस ए कोस बी कोस सी सबकी वैल्यू पता है, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, तो इसकी तो जरूरत होगी नहीं, इसमें इसको हटा देते हैं। अब ये एक अलग ही फॉर्मूला बोल दो, इंपॉर्टेंट नोट है जिसको याद रखें, डेरिवेशन भी इसका कॉस ए प्लस बी प्लस सी है, जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे क्या करना, इसको ए मानना इसको बी मानना, तो क्या जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस सी माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन सी। अब सुनो इसके बाद अगेन कॉस ए बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाने के बाद टोटल टर्म आने वाली है फोर, टोटल टर्म क्या होंगी, फोर टर्म्स, इन ऑल फोर टर्म्स में आप क्या करना, जबरदस्ती मतलब कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लेना आप, तो जब आप इन ऑल फोर टर्म में कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन लोगे तो यह आएगा वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन सी, ये करके देखना आप, तो क्या जाएगा कॉमन लेने पे, माइनस टेन ए टेन बी, मतलब सिग्मा टेन ए टेन बी आपका कॉमन आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, ये करना घर पे। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर आपका पाई है तो कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, ये आपको पता है पी है, तो क्या आ गया माइनस वन अपॉन पी, ये पी है ना, इक्वल टू वन माइनस सिग्मा टेन ए टेन बी, तो देन इस सिग्मा टेन ए टेन बी बदल ले आओ माइनस के वन अपॉन पी को जब राइट साइड में बेटा शिफ्ट करोगे तो देन क्या आ गया सिग्मा टेन ए टेन बी इक्वल टू वन प्लस वन बाय जीरो, ये सिग्मा टेन ए टेन बी आ गया, दोनों की वैल्यू आप इधर पुट कर देना तो देन यू विल गेट दी आंसर, तो इसमें तो सीधा आंसर आ गया ना वन प्लस वन अपॉन पी, तो क्या जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस पी क्यू, ठीक है ना, करके देख लेना आप आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, इस तरीके से, और अगले में भी पुट कर देना तो इससे भी आंसर जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये मेन फॉर्मूला यही है कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी को ले सकते हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी ब्रैकेट में वन माइनस सिग्मा टेन ए, बहुत यूजफुल रिजल्ट है। साइन ए प्लस बी प्लस सी सी भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या आता है साइन ए साइन बी साइन सी कॉमन आएगा, तो वन माइनस सिग्मा कोट ए कोट भी आता है, देखना घर जाके वो भी कर सकते हो, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी सी भी लिख सकते हैं, उससे भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है बाहर, ठीक है। चलो तो अभी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करना फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। चलो उसके बाद देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है, 16 ए स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर माइनस 40 ए सी इक्वल टू जीरो, ए बी सी रियल नंबर है, फैमिली ऑफ स्टीलन स्पार्क पासिंग टू द फिक्स्ड पॉइंट देन फाइंड फिक्स्ड पॉइंट, ये क्वेश्चन अपना सेक्शन ए में भी था शायद ऐसा क्वेश्चन। देखो जब भी ए बी सी कोई रिलेटेड हो, कोई रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड है, तो जो ए एक्स बी वाई प्लस सी जीरो क्या है, एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। तो क्या करना है आपको, ये जो रिलेशन गिवन है एबीसी, इस रिलेशन एबीसी से एक वेरिएबल की वैल्यू को इसमें पुट कर दो किसी की भी, तो आप इसको बाद में इजीली एल वन प्लस लैम्डा एल टू में क्या कर सकते हो कन्वर्ट। तो देखो उसमें क्या करना है, यही मेन पार्ट है इसका, ये जो दिख रहा है देखो 16 ए स्क्वायर, ये दोनों चीज पते क्या है, ये 4a माइनस 5b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है,
और इधर आ गया 36, बस यही मेन स्टेप है, उसके बाद तो क्वेश्चन फिनिश है बेटा। तो इसका रूट लोगे तो क्या आ गया, 4a - 5b = 6b, सॉरी प्लस माइनस आएगा। तो जब आप टेकिंग प्लस की बात करोगे, ये क्या है 5c था, एक मिनट दोबारा कर देते हैं, क्या आ गया 4a - 5c का ऑल स्क्वायर इक्वल टू 36b, ठीक है ना। तो जब इसका रूट लोगे तो क्या आ गया 4a - 5c = ±6b। तो आपको c की वैल्यू पुट करनी है, तो एक बार टेकिंग प्लस की बात करते हैं, तो टेकिंग प्लस से क्या जाएगा 4a - 6b = 5c, और टेकिंग माइनस लोगे तो क्या जाएगा 4a + 6b = 5c, ठीक है। अब c की वैल्यूज को आप 1/1 पुट करो, तो 1/1 जब पुट करोगे तो क्या जाएगा ax + by + अब c की वैल्यू क्या पुट करोगे फर्स्ट केस से 4a - 6b / 5 = 0, तो देन क्या होगा x a कॉमन लोगे आप तो x + 4/5, और b कॉमन लोगे तो y - 6/ a से डिवाइड करना, तो कन्वर्ट हो जाएगा ना l1 + λ l2 0 में, तो इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा this = 0 this = 0, ये 4/5 था सॉरी, इसके अकॉर्डिंग एक आंसर दे जाएगा -k 4/5, y जाएगा 6/5। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, एक तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आफ्टर दैट क्या करना, देखो जब आप टेकिंग माइनस लोगे तो टेकिंग माइनस भी क्या होगा सीधा देख लो, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा ये भी, ठीक है ना, तो दोनों माइनस में रहेंगे आपके, ठीक है। तो देन इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेम है, ये भी केयरप्लस का क्वेश्चन है, लेट fx इक्वल टू दिस पार्ट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, वही आपको इसको स्टेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट चेक करना है, ठीक है। तो क्या करें सर, वही इसका कर दो डिफरेंशिएशन एक बार, तो थोड़ा केयरफुली करना क्योंकि फंक्शन थोड़ा टिपिकल लग रहा है दिखने में। सिंपल एक काम करते हैं अपन, तो n/d से कर देते हैं इसका डिफरेंस, न्यूमरेटर/डिनोमिनेटर से। देखो क्या आएगा, f(x) = डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का क्या होगा ब्रैकेट में करना, x - 1 होल स्क्वायर e^x प्लस e^x एज इट इज, सेकंड का करोगे तो 1 2x(x)^2, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये हम फिनिश हो चुका है, और डिनोमिनेटर का करोगे क्या आ गया 2x + 1 + x² और x² का जाएगा 2x और अपॉन में क्या जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको थोड़ा केयरफुली लिखते हैं अपन, इधर देखो क्या लिखना है, थोड़ा केयरफुली लिखना है इसको, तो इसका देखो f(x) क्या गया अपॉन में, तो जो भी उससे जरूरत है भी नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है पॉजिटिव होगा। देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके देखते हैं, सब में एक तो कॉमन आ रहा है 1 + x² कॉमन आ गया, एक ऑल थ्री में, हाँ ये सॉरी पावर टू दो ये हट जाएगा 2, x - 1 और एक एक्सपेंशन कॉमन आ गया, और एक सम में कॉमन आ गया e^, ये थ्री टर्म्स को तो कॉमन लेके सेपरेट कर देते हैं। तो जब आप इन थ्री टर्म को कॉमन लोगे तो देखो क्या आ गया f(x) = एक तो कॉमन आ गया 1 + x², एक कॉमन आ गया e^x और एक कॉमन आ गया x - 1, और अब रिमेनिंग पार्ट को देखो क्या होगा, ये आ गया 1 + x² और ब्रैकेट में कौन बचा, इसमें तो रह गया x - 1, ठीक है, और e^x कॉमन आ गया ये बेटा, तो प्लस इसमें क्या जाएगा बोलो ओनली 2, बोलो ये सुनो, इसमें तो दिस पार्ट आ गया, इसमें बोलो किसी को डाउट है, दोबारा सुन लो, x - 1 कॉमन लोगे ब्रैकेट से तो x - 1 आ गया, प्लस e^x कॉमन x - 1 तो ओनली 2 हो जाएगा,
और जो बाद वाला पार्ट है इस ब्रैकेट को यहीं क्लोज कर देना, क्योंकि ये सॉरी ये तो पूरा आ गया ना ब्रैकेट, हाँ इन सब में कॉमन आ गया, बस इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर आएगा माइनस, इसमें ये कॉमन आ गया तो क्या आ गया 4x इंटू, बस ये इसका फाइनल आ जाएगा ठीक है, अपॉन में तो क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है। तो बस इसका डिफरेंशिएशन ढंग से करना है। चलो अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। अपॉन में तो क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो कोई काम का नहीं क्योंकि होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो देन इसका एवरेज क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1। देखो ब्लैक बोर्ड पे अभी गुणाभाग करने पड़ेंगे आपको ब्रैकेट में, देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के 1 ठीक है, और ये माइनस के आ गया 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 4x अपॉन वाला पार्ट एज इट इज है। तो देखो फाइनली लिख देते हैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक 1 प्लस का तो कैंसिल आउट, ये 4 है पावर क्योंकि होल स्क्वायर आता नीचे ठीक है ना, तो एक पावर तो हट जाएगी हटा दो उसको सीधा, तो क्या रह गया देखो e की पावर x x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब आ गया ना, और ये आ गया ब्रैकेट में देखो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है, चलो कोई नहीं आराम से करो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स प्लस बनाने वाला और माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x ठीक है, मतलब क्यूबिक बन चुकी है। इसको देखो दोबारा रीराइट कर देना अगेन, तो क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर ठीक है और प्लस के 5x प्लस के 1 ये आ गया इसका। अब आप इसकी और करने आपको फैक्टर, तो इसमें वही प्रॉब्लम आने वाली है बन सके इसका, देखो सेपरेट अगर आप डिफरेंशिएशन देखते हो इसको अगर आप जी एक्स लेट करके क्या करते हो इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो इसका जी डेस एक्स क्या आने वाला है 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5, तो 36 माइनस इसका डी नेगेटिव आ रहा है, मतलब जी डेस एक्स नेगेटिव है सॉरी डी नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का, तो किसी भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब जी डेस एक्स आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो देन जी एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जी एक्स एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो 100% इसका ओनली 1 रूट होगा क्योंकि एक्स क्यूब प्लस इनफिनिटी पे प्लस इनफिनिटी की तरफ जाता है माइनस इनफिनिटी पे माइनस इनफिनिटी की तरफ, और देखो इसका जो रूट है वो कैसा होगा 0 पे वैल्यू बने ना, मतलब ये ऐसे बनेगा, तो बस ये देखना है कि इसका रूट किस इंटरवल में आने वाला है। देखो एक्स को माइनस मान लो माइनस माइनस, हाँ एक्स को नेगेटिव लेने पे वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका जो रूट है अल्फा वो माइनस वन से जीरो के बिटवीन आने वाला है ठीक है, तो ये आ गया। तो देखो अब अपन इसकी ड्रॉ करते हैं नंबर है, ये पता चल गया कि ये 1 पे 0 आएगा, अरे इसका फैक्टर क्या ओनली एक्स माइनस अल्फा हो गया ना क्योंकि तो एक ही रूट है इसका, तो जब आप एवरेज एक्स की नंबर लाइन ड्रॉ करोगे देखो इसकी नंबर लाइन कैसे होगी, ये आपका 1 पे 0 है और ये अल्फा पे 0 है, तो ओनली प्लस माइनस प्लस, तो अल्फा पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और 1 पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। चलो अब अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इनफिनिटी से माइनस 1, यस सर, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो माइनस 1 से ग्रेटर है, अल्फा क्या माइनस 1 से बड़ा है, इसका मतलब माइनस में कहीं इधर आ रहा होगा ना, तो हाँ माइनस 1 से माइनस इनफिनिटी में 100% इंक्रीजिंग होगा, तो इस ऑप्शन को टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट पूछा उसने। fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 से इनफिनिटी, यस सर, 1 से इनफिनिटी में, सॉरी गलत, 1 से इनफिनिटी में अगेन फंक्शन आपका पॉजिटिव है f(x), तो ये आपका इंक्रीजिंग होगा, तो सेकंड ऑप्शन तो इसका गलत होगा। f(x) हैज टू पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, यस, इसके टू लोकल एक्सट्रीमा में, एक लोकल मिनिमम एक लोकल मैक्सिमम, तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू होगा। फोर्थ ऑप्शन है f(x) हैज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट सम -1 से 0, fx has point of local minima, तो माइनस वन से जीरो में, माइनस वन से जीरो में नहीं, ये तो इसका लोकल मिनिमा तो किस पे 1 पे आएगा, तो ये भी ऑप्शन इसका फॉल्स होगा ठीक है। देखो ढंग से, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट सम माइनस वन से जीरो में नहीं,
माइनस वन से जीरो में तो इसका लोकल मैक्सिमम होगा, तो इसका ओनली फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपको टिक करना, तो सेवेंथ का ओनली फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद अपन अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर एट। देखो क्वेश्चन नंबर एट क्या बोला गया, पढ़े सभी विद्यार्थी। यस, इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन इन माइनस वन से वन एंड डिफरेंशियबल इन अपर माइनस वन टू वन, एक फंक्शन एफ एक्स है जो ऑड है, तो फंक्शन अगर ऑड है तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या पता इसका यूज होगा बाद। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एफ डैश ए इक्वल टू एफ ऑफ वन फोर सम ए बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो, मतलब ये बताना है आपको कि माइनस वन से जीरो में ए की कुछ वैल्यू पे क्या एफ डैश ए आपका वन होगा क्या। सिमिलरली जीरो से वन में बताना है कि एफ डैश बी आपका एफ ऑफ वन होगा क्या। फिर अगेन वही सेम है अल्फा बीटा माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, इस बार ये बताना है, मतलब सिमिलर ऑप्शन आपको वेरीफाई करने। अब देखो क्वेश्चन में आप थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। देखो ये एफ डैश एक्स है और अल्फा इंटरवल आपको गिवन है माइनस वन से जीरो में, तो ये काम करते हैं इसमें यूज करो। जब आपका इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे इसमें ऐसे लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू अगर माइनस वन से जीरो है तो माइनस वन से जीरो में आप अप्लाई करो एलएमबीटी थ्योरम। क्या कहती है एलएमबीटी थ्योरम, किसी पॉइंट पे एफ डैश ए मतलब एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, ये सर ये बी है आपका ये ए है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो जीरो होगा ना, क्योंकि फंक्शन अगर आपका ऑड है तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस एफ ऑफ जीरो, देन एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आती है, ऑड फंक्शन में एफ ऑफ जीरो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो जीरो आ गया, तो इससे एफ डैश ए आ गया माइनस के एफ ऑफ माइनस वन, ये तो प्लस आ गया, और माइनस एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू देखो क्या होगी, क्योंकि ऑप्शन में एफ ऑफ वन का रोल आ रहा है सब में। देखो ना जब आप इसमें एक्स को वन पुट करते हो तो क्या आ गया, इससे एक्स को वन पुट करने पे एफ ऑफ वन इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस वन, ये लो तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ वन, यस सर, तो ए आपका माइनस वन से जीरो में होगा तो एफ डैश ए को आप एफ ऑफ वन लिख सकते हो, यस, तो ये रोज एलएमबीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा इसका। सेम थिंग आपको बी पार्ट में करना है, जब आप बी लेट करोगे जीरो से वन तो अगेन क्या करो जीरो से वन में आप अप्लाई करो एलएमबीटी थ्योरम, तो क्या लिखोगे एफ डैश बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन वन, एफ ऑफ जीरो जीरो हटाओ तो सीधा आ गया, तो एफ डैश बी इक्वल टू एफ ऑफ वन, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या करना है, इसमें एक फंक्शन अज्यूम करना है, लेट करना है। देखो ये क्या चीज है, ये है ना एन अल्फा एफ अल्फा की पावर एन माइनस वन एफ डैश, ये क्या है ये आपको दिखना चाहिए, ये एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन है, एक्स मतलब एफ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन है, तो इसमें क्या करना है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में एक जी एक्स फंक्शन लेट करो एफ की पावर एन एक्स। अब आप आराम से वन और टू दोनों में काम करो, इसमें तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो में आप यूज करोगे अगेन एलएमबीटी थ्योरम, तो क्या जाएगा जी डैश अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ जीरो जीरो, या जी ऑफ जीरो लिखो आराम से, जी ऑफ जीरो माइनस जी ऑफ माइनस वन अपॉन वन, समझ में आ गया सब। देखो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वाला पार्ट रिमूव कर दीजिए, इसे देखो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा जी डैश अल्फा इक्वल टू जी जीरो तो जीरो आ गया माइनस जी माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, जी माइनस वन की वैल्यू होगी एफ माइनस वन की पावर एन, और देखो अभी आपने लिखा था एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या थी माइनस एफ ऑफ वन, अरे हाँ है ना, तो देखो इसमें काम करते हैं एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू पुट कर दो, क्या ये माइनस तो बाहर है माइनस वन की पावर एन एफ ऑफ वन की पावर एन, ये आ गया जी डैश अल्फा, और जी डैश अल्फा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन एन एफ की पावर एन माइनस वन एक्स इज़ अल्फा और एफ डैश, तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसने तो इक्वल टू में दे रखा है एफ वन की पावर एन, बट अल्फा जब आपका माइनस वन से जीरो होगा
तो ये वैल्यू डिपेंड करेगी, इसने लिखा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं ये एन पे डिपेंड करेगा कि एन इवन या ऑड है, एन अगर ऑड होगा तो प्लस बन जाएगा, एन अगर इवन है तो नेगेटिव, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। आफ्टर दैट जब आप फोर्थ ऑप्शन की बात करोगे तो वो भी सेम थिंग है, फोर्थ ऑप्शन में आप क्या करोगे जीरो से वन, तो जीरो से वन लोगे तो इधर आ जाएगा जी वन, इधर आ जाएगा जी जीरो, तो जी जीरो जीरो आ गया ना, तो सीधा अरे एक बार बीटा को अज्यूम करना जीरो से वन में, तो सीधा क्या लिखोगे जी डैस बीटा इक्वल टू जी वन माइनस जी जीरो, तो जी डैस बीटा तो सेम आ जाएगा ना, एन एफ बीटा की पावर एन माइनस वन एफ डैस बीटा इक्वल टू जी वन, और इस बार जी वन की वैल्यू क्या होगी एफ वन की पावर एन, तो हाँ ये ऑप्शन ऑलवेज, क्योंकि इस पे एन कुछ भी लो एफ ऑफ वन ऑलवेज एफ ऑफ वन ही रहेगा, तो इसका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें सोचना यही था मेन की भाई इसमें एलएमबीटी थ्योरम को आपको अप्लाई करना है। चलो चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट द साइड बीसी ए डी पॉइंट। चलो देखते हैं इसके डायग्राम ड्रॉ करते हैं साथ के साथ, ये एक ट्रायंगल है लेट एबीसी, अब एडी इसका क्या है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लिख देते साथ ही साथ अपना क्या जा रहा है, ये इसने डी पॉइंट बोला है। चलो ए लाइन ड्रॉ, लाइन ड्रॉ थ्रू दी पॉइंट डी, पॉइंट डी से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको परपेंडिकुलर टू दी एडी, इस एडी के परपेंडिकुलर आप क्या करोगे इससे एक लाइन ड्रॉ करोगे, और बाद में ये लाइन क्या करती है एसी को तो पॉइंट सेट ई पे कट करती है, एंड एबी को कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको आगे एक्शन करना है तो इसको एफ पे कट करती है, बस इतना बोला गया। ये एंगल 90 है आपका, मतलब ये एडी आपका इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल क्या होगा 90 होगा ना। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का डायग्राम है, तो देन विच ऑफ दी फोर ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपको देखना है कौन कौन सही हुआ। AE is harmonic mean between B and C. AD की लेंथ पूछी गई है, EF की लेंथ पता नहीं है, और ट्रायंगल AEF कैसा हुआ? आइसोसेलस हो गया, इक्विलेटरल हो गया, पूछो। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे सिंपल काम तो ये लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको याद होगा एंगल बाइसेक्टर AD की लेंथ क्या होती है आपको पता है सबको, आपको पॉइंट A के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो ये जो अब इसकी एडजेसेंट साइड क्या BC, तो BC का तो लेना आपको HN, तो 2BC वैसे याद रखे बट मैं आपको बता देता हूँ, और cos जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात की उसका cos A by 2 लेना है, ये इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ है, और इसका डेरिवेशन कैसे किया गया वो सिंपल है, तो डेल्टा ABC का एरिया है वो किसके इक्विवेलेंट होगा डेल्टा ABD प्लस डेल्टा ABC, इस ग्रेटर वाले ट्रायंगल का जो एरिया है इन दोनों स्मॉल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल कर सकते हैं ना, तो देखो ट्रायंगल का एरिया इधर क्या होगा हाफ BC sin A, क्या जाएगा BC sin A इक्वल टू हाफ, इसमें भी sin लॉ से लिखो ये ABD का ABD, तो ये क्या B है ना, तो BAD sin A/2, क्या जाएगा BAD sin A/2, और अब आ जाएगा हाफ CAD, CAD sin A/2, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, BAD sin A/2, CAD sin A/2, तो 1 by 2 को कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल होने के बाद देखो ब्लैक बोर्ड पे BC इस sin A को लिख सकते हो 2 sin A/2 cos A/2 equal to, ये आ गया B plus C, और AD sin A/2 common, तो sin A/2 into AD, तो देखो 8 sin a/2 sorry sin a/2 से जब sin a/2 कैंसिल आउट करोगे तो क्या रह गया 2bc upon b plus c cos a/2, तो आ गया आंसर। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको हटा देते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, एक क्या बोला गया ae की जो लेंथ है वो क्या b और c का हार्मोनिक प्रोगेशन होगी या नहीं, तो एक काम करते हैं अपन AE की लेंथ की बात करते हैं, देखो ये AE है ना आपका, तो ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दें, ये एंगल 90 है, AD आपको पता है, ये एंगल sin A/2 है, तो देखो ये एंगल A/2 है, तो ये परपेंडिकुलर,
ये बेस हाइपोटेन्यूज तो लिख सकते हैं ना, दिस अपॉन दिस कॉस ए बाई टू, तो डेल्टा ए डी ई की अगर आप बात करोगे तो देन कॉस ए बाई टू क्या जाएगा बोलो, ए डी अपॉन ए, ए को आप उधर भेजोगे तो क्या जाएगा ए डी अपॉन कॉस ए बाई टू, तो ए डी अपॉन कॉस ए बाई टू आ गया 2 बी सी अपॉन बी प्लस सी। इसका मीनिंग इस क्वेश्चन में फिक्स था कि फर्स्ट ऑप्शन को लाने के लिए पहले सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई करना है AD की लेंथ, तो ये क्या है B और C का हार्मोनिक HM है ना, तो देन इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट आ गया। अब आपको चाहिए EF की लेंथ, तो EF की लेंथ क्या होगी देखो, ये लेंथ आपको चाहिए तो EF की लेंथ क्या होगी, D E और लिख देते हैं लेंथ ऑफ EF इक्वल टू AD प्लस DF, यस सर। अब थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे देखो, एक फोर्थ ऑप्शन देखना है AEFR isosceles, देखो ब्लैक बोर्ड पे आप इस वाले ट्रायंगल की बात करोगे, ये 90 ये a by 2, तो ये आ जाएगा 90 माइनस a by 2, ठीक है। सिमिलरली a by 2 90, ये भी आ गया 90 माइनस a by 2, तो ये आने के बाद आपको क्या पता चला, अब ऐसे देखो ना, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब ये जो ED लेंथ है वो EF लेंथ के इक्विवेलेंट होगी, तो ये तो सीधा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ED। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये तो एंगल A है, ये एंगल 90 माइनस ए बाई टू है, ये भी 90 माइनस ए बाई टू है, तो ये जो ट्राइंगल है आपका कैसा बन गया आइसोसेलेस, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम है आपके और ये ए बाई टू है, तो अपन बोल सकते हैं ना कि ये इसका एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब इसका मीडियन हो गया एक तरीके से, क्या हो जाएगा बोलो मीडियन। और आप सिंपल देख सकते हो कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल की ये लेंथ दोनों सेम होंगी, तो ये फोर्थ ऑप्शन में आ गया AEF आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब थर्ड ऑप्शन में EF की लेंथ चाहिए, तो EF की लेंथ में दिक्कत क्या है, अभी तो किया था अपन लिख देते इस बार दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस, आपके पास पता है ED की लेंथ चाहिए आपको, DE की सॉरी, तो sin a by 2 हो जाएगा DE upon AE, क्या हो जाएगा sin a by 2, क्या लोगे sin a by 2 ED upon AE, तो ED आ गया AE sin a by 2, लिख देते हैं 2 AE sin a by 2, तो बेटा AE की वैल्यू कहां है, AE की लेंथ अभी पड़ी थी ना, AE की लेंथ आपकी दिस पार्ट है, तो इस AE की लेंथ को जब आप पुट करोगे तो क्या जाएगा 2BC, तो 4BC अपॉन B प्लस C साइन ऑफ A बाई 2, यस, तो 4BC अपॉन B प्लस C साइन A बाई 2, तो इसकी ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट। ये आपको पता होगा कि ये IIT JEE में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं आया सर, 2013-14 ऐसे कुछ था, ठीक है ना। चलो उसके बाद सेक्शन बी का एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, टेंथ क्वेश्चन, इसको देखते हैं फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, टेंथ, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स आर टू आर में डिफाइन है और वो अलग अलग डोमेन में डिफाइन है आपका, जीरो पे फंक्शन को जीरो मानना है, तो जीरो पे एफ डेस एक्स भी जीरो होगा और अगला फंक्शन ही है, तो आपसे क्या पूछा गया एफ एक्स है एग्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमम टू लोकल मिनिमा, स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट बट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और इंटरवल के अगर जीरो से इनफिनिटी है तो बताओ एफ एक्स इक्वल टू के है टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इस ऑप्शन के लिए तो आपको इसका डायग्राम बनाना मस्ट है। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका सीधापन देखो, एक्स जीरो है तो एफ एक्स आपका जीरो, एफ डेस एक्स जीरो, उसको हटाओ, अपन एफ एक्स का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, चलो एक बार लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है आपको 2x स्क्वायर ln मोड x माइनस के 5x स्क्वायर, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, करते हैं डिफरेंशिएशन, आपको पता होगा x पॉजिटिव है तो ln x, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, x अगर नेगेटिव है तो ln माइनस x लिखोगे, बट ln माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 by x, तो सिंपल आप बोल सकते हो कि ln मोड x का जो डिफरेंशिएशन है क्या होगा, वो सीधा 1 अपॉन एक्स ही आने वाला है, क्या आने वाला है 1 अपॉन एक्स ही आएगा, ठीक है। चलो तो देखो इसके डिफरेंशिएशन में
सिंपल करने के लिए आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, सिंपल रहेगा, तो क्या जाएगा 2ln mod x माइनस के। अब अपन करते हैं इसका डिफरेंशिएशन f डैश x। देखो इसका f डैश x क्या आने वाला, f डैश x इक्वल टू पहले x का करोगे तो क्या जाएगा 2x ब्रैकेट में 2ln mod x माइनस के 5 प्लस x स्क्वायर एडिट ब्रैकेट का करो 2 कांस्टेंट ln mod x का तो 2x आ गया और 5 का 0 आ गया। तो जब आप इसको फाइनली फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा f डैश x, कर दो मल्टीप्लाई पूरे को, तो क्या आ गया 4 x ln mod x माइनस के 10x और x x कैंसिल तो प्लस के 2x, मतलब फाइनली ये आ गया 4x ln mod x माइनस के 8x। ठीक है बेटा, तो देन आप इसमें से 4x कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गया ln mod x माइनस 2। ठीक है, कितना सिंपल डिफरेंशिएशन आ गया, बस क्वेश्चन यही फिनिश है। ठीक है, अब f डैश x आने के बाद अपन एक काम करते हैं, इस fx को भी इधर रीराइट कर देते हैं ताकि स्पेस हो जाएगा अपने पास। fx क्या है इसका, x स्क्वायर 2 ln mod x माइनस के, ये आपका fx आ गया। अब देखो f डैश x की एक बार अपन नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। f डैश x की जब नंबर लाइन की बात करोगे आप, देखो f डैश x 0 पे 0 ये तो लेना नहीं है अपन को, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी पता है मेरे को। ठीक है ना, 0 पे तो fx भी 0 और f डैश x भी आपका 0 है। ठीक है ना, उसके अलावा देखो, अरे 0 पे फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि f ऑफ 0 भी 0 है, f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 माइनस भी आपका 0 आएगा ऐसे। ठीक है, चलो तो देखो ये जो ln mod x माइनस ये 0 कब होगा, इसको 0 करके देख लो, तो ln mod x माइनस 2 को 0 करोगे तो क्या जाएगा, ln mod x इक्वल टू 2, तो mod x equal to e की पावर 2, तो x जाएगा प्लस माइनस e की पावर 2, मतलब ये e की पावर माइनस e की पावर 2 और e की पावर और 0 पे 0 आ गया, तो क्या करना है, प्लस माइनस, इसका मीनिंग ये दो पॉइंटों पे तो रखेगा लोकल मिनिमा और वन पॉइंट पे होगा लोकल मैक्सिमा, एक आंसर तो इसका ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपने काम करते हैं, इसके साथ के साथ डायग्राम ड्रॉ कर दें, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से आप फोर्थ ऑप्शन को टिक कर पाओगे। तो डायग्राम की बात करोगे तो fx का डायग्राम चाहिए, देखो 0 पे तो वैल्यू 0 अपन को पता है, और 0 पे f डैश x भी 0 है, इसका मतलब 0 पे डायग्राम न्यूट्रल लेगा आपका, ये है माइनस के e स्क्वायर और ये है प्लस के e स्क्वायर, और देखो माइनस ई स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर पे लोकल मिनिमा है, मतलब डायग्राम यू जाएगा ऐसे, यू बनेगा यू, इस पे भी ऐसे बनेगा, और देखें अपन वैल्यू भी लिख के देख लेते हैं, ई स्क्वायर पे वैल्यू क्या आएगी, ई स्क्वायर होगी तो ई की पावर 4 और ये क्या जाएगा, देखो ई स्क्वायर पुट करने पे क्या जाएगा, ई की पावर 4 माइनस 5, क्योंकि तो माइनस ई की पावर 4 हो जाएगा, क्या जाएगा, माइनस ई की पावर 4, और e की पावर माइनस 2 पे भी आने वाला है, तो ये e की पावर 4 के इधर होगा, और आपको पता है x को जब इन्फिनिटी लोगे तो क्वाड लेके तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और लॉग इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे भी आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने वाला है, और माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और लॉग इन्फिनिटी अगेन इज इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे कहां होगा, इनफाइनिट की तरफ टेंड करने वाला है दोनों पे, और 0 पे वैल्यू 0 है और f डैश x भी आपका 0 पे 0 है। देखो जब आप इसके अकॉर्डिंग डायग्राम की बात करोगे तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा ऐसे, बोलो हाँ ना, बस ये क्वेश्चन फिनिश है, और ये डायग्राम आ गया। तो देखो fx equal to k, क्वेश्चन में बोला गया कि k अगर आपका पॉजिटिव है तो fx equal to k की लाइन ऐसी होगी, तो हाँ इसके टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन 100% होंगे। k अगर आपने 0 मान लिया तो k 0 का मीनिंग 1 2 और 3, तो 3 सॉल्यूशन होंगे। k को आप अगर इस इंटरवल में मानते हो, कौन सा इंटरवल है, k बिलोंग्स टू माइनस e की पावर 4 से 0, तो 4 सॉल्यूशन अप टू सो ऑन। अब अपन वन बाय वन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। fx है एग्जैक्टली 1 लोकल मैक्सिमा 2 लोकल मिनिमा, यस सर, 0 पे लोकल मैक्सिमा है -1 अपॉन e स्क्वायर और e स्क्वायर पे लोकल मिनिमा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 होगा।
fx is strictly increasing tens infinity, yes, क्योंकि जो f dash x है, e square आपका इधर है ना, तो e square का मतलब 2.7 का square, तो 10 आपका इधर होगा, तो 10 से greater में 100% fraction आपका increasing है, ये भी सही option होगा, absolute minimum value of fx exist, yes sir, इसकी minimum value तो ये है, तो ये तो exist करेगी, but absolute maximum value आपकी कहाँ जाएगी, infinite की तरफ tend करेगी, तो does not exist, तो ये भी option आपका correct होगा, और interval k belongs to 0 से infinite, fx set to distance also, तो ये भी option आपका correct होगा, तो इसके all four options are correct, ठीक है, चलो, अच्छा question चलो, तो चलो अपन अब आगे बात करते हैं section D, देखो section D का first question क्या है, let px equal to this part, पता नहीं क्या दे रखा है, लंबा चौड़ा सा polynomial function, has at least one zero in this interval then k equal to, देखो क्या करना है, px एक polynomial है, has at least one zero, मतलब इसका एक रूट होगा at least, तो जब भी at least की बात करें आप, कि किसी भी polynomial का at least one root आपका इस interval में, तो then we can use Ross theorem, क्योंकि Ross theorem से अपन easily check कर सकते हैं कि इसका किसी interval में at least one root होगा, तो देखो Ross theorem से जो अपन root find out करते हैं, वो किसकी information पता चलती है, f(x) की, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, कि कोई भी function आपका continuous and differentiable है, a to b में, और f of a f of b 0 है तो देन आप क्या बोलते हो कि f dash x equal to 0 है at least one rooted a to b तो इसका मीनिंग क्या है आपको दिस इक्वेशन के रूट्स को चेक करना है at least किस इंटरवल होगा तो रोस थ्योरम अप्लाई तो करते हो आप fx पे बट रूट की इंफॉर्मेशन किसके लिए मिलती है f dash x के लिए तो आपको इस इक्वेशन की रूट की इंफॉर्मेशन को देखना है कि किस इंटरवल में लाई करने वाले हैं तो देन आपको इसको कैलकुलेट करोगे f dash x मतलब ये आपका एक फंक्शन है f dash x मतलब आप लिख सकते हो f dash x आपका px हो गया ना f dash x को क्या मानना है px मानना है तो ये अगर आपका f dash x है तो बाद में क्या करेंगे इसका अपन इंटीग्रेशन तो सेफ x आ जाएगा तो चलो टाइम बचाने के लिए अपन एक काम करते हैं सीधा अपना जो ये तो आपका है equal to f dash x तो ये f dash x है तो उसका जब both side क्या करोगे आप integration तो इससे f x function क्या आएगा equal to इसका integration क्या होगा 151 x की power 102 upon 102 minus 23 x की power 101 upon 101 yes sir माइनस 45 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 1035 एक्स प्लस कांस्टेंट लगा दो सी अब इसके बाद देखो इसको थोड़ा अपन सिंपलीफाई करते हैं तो देखो ये 52 से साथ कैंसिल हो जाएगा ना 2 टाइम्स हां तो ये आ गया fx इक्वल टू देखना ब्लैक बोर्ड पे अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन ये किससे कैंसिल होगा एक बार देखना ये 23 से कैंसिल आउट हो गया लो ये क्या होगा 23 से कैंसिल आउट ठीक है तो क्या आ गया देखो ये x की पावर 102 / 2 माइनस 23 x की पावर 101 माइनस 45 x स्क्वायर / 2 प्लस 1035 x प्लस ये लिखने के बाद अब थोड़ा इसमें क्या करना है आपको ये तो देखना ना ये fx आ गया तो fx एक polynomial function है तो आपका continuous और differentiable है आपको बस इन दोनों values पे देखना है कि अरे यार f of a f of b equal आ गया तो आप क्या बोलोगे कि f dash x का a to b में एक root होगा at least तो f of a तो पता है कि आपको देखना है कि जिस पे this और this की value same आनी चाहिए तो 45 की power 1 upon 100 जब आप इसमें put करोगे तो देखो क्या आता है काम करें इसको करने के लिए आप फर्स्ट और सेकंड में इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे इसको थोड़ा रीराइट करो वंस अगेन इससे आ जाएगा fx इक्वल टू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आप एक काम करो x की पावर 100 कॉमन लो तो x की पावर 100 कॉमन लोगे तो ये आ गया x स्क्वायर / 2 माइनस के 23x ठीक है ना और इन दोनों की बात को किया जाएगा माइनस के 45 एक काम करें अपन माइनस के 45 भी कॉमन लेते हैं तो ये तो आ गया x स्क्वायर / 2 और इधर देखो 45 कॉमन लोगे तो क्या आएगा
तो एक काम करें, इसको डिवाइड देके देख लेते हैं, 45 दूना 90, 90 100 103 सॉरी 13 135 ये लो, ये भी 20 मजा आ गया, तो ये आ गया 23 इयर्स। तो देखो इसके बाद ये अगेन कॉमन आ गया दोनों में, तो इससे फाइनली आ गया fx equal to x square upon 2 माइनस के 2x इनटू x की पावर 100 माइनस के 45। बोलो आया ना, ये आपका fx आ गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन को, a तो s में 45 की पावर 1 upon 100, तो जब आप x को पुट करोगे 45 की पावर 1 by 100 तो देखो क्या होगा, f of 45 की पावर 1 upon 100 जब आप इसमें पुट करोगे तो देखो इसमें कर देना घर जाके, इसमें पुट करोगे तो क्या जाएगा, 45 माइनस 45 जीरो आ गया, जीरो आ गया ना, और प्लस भी सी था साथ में, ये तो लगाने लगाना, तो सिंपल क्या आ गया, सी आ गया। उसके बाद देखो k की एक वैल्यू और पुट करो अगेन, जिसको पुट करने पे ये अगेन क्या आना चाहिए, सी, सी आने का मतलब ये अगेन जीरो आना चाहिए। देखो ब्लैक बोर्ड पे ये जो पार्ट है आपका, इसमें भी आपको एक बार देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने, के पुट करने बताओ के की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो सोचने पड़ेगा कि अगेन जीरो का हो सकता है, ये शायद 23 था ना यार, हाँ हो गया ना, सॉरी ये 23 है। तो सिंपल अब एक बात सुनो, हाँ अब देखो मैं आपको एक नई चीज और माइंड में आ चुकी है, आप पॉइंट पुट करके देख सकते हो, और आपको ये तो देखना है ना कि fx कब कब जीरो आ सकता है, मतलब fx को इक्वल आना है, तो आप इनको देख लो दोनों की ही कब कब जीरो आ सकते हैं, तो इसको जीरो करो तो इससे तो जाएगा x इक्वल टू 45 की पावर 1/100, और इसको जीरो करोगे तो एक तो इससे जीरो आएगा x, और एक आएगा 46, तो देखो सिंपल सी बात है, तो k आपका 45 आ गया, क्योंकि जीरो तो उधर चला गया ना, क्योंकि जब आपका फर्स्ट पॉइंट गिवन है पॉजिटिव तो अगला इससे बड़ा होगा, तो k क्या जाएगा 40। वैल्यू मत पुट करो, आप रिवर्स ट्राई करो, अपन को fx को सेम लाना है, तो c तो फिक्स है, तो इस वैल्यू को अपन जीरो लाके देख लेते हैं, ये जीरो कब आएगा, 46 और x 100 की पावर 45 की पावर 1/100 पे, तो देन इससे k आ गया 46। चलो उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक इंटीग्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू fx लानी है, फिर fx का अगेन इंटीग्रेशन करो gx आएगा, g 1/√2π/k गिवन, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं इसको इंटीग्रेट करना आपको, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको हाईलाइट कर देते हैं, देखो ये पैटर्न फिक्स है आपका, ये देखो अपॉन में 2 आ रहा था, एक काम करो इस ब्रैकेट में से आप x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब आप इसमें से बेटा x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर कॉमन लेने पे इस पर के क्यूब आ गया ना, ये आ गया x स्क्वायर की पावर 3/2, तो x क्यूब आ जाएगा, और x स्क्वायर कॉमन लेने पे 1 अपॉन x स्क्वायर, ये तो आ गया x की पावर -2, और माइनस आ गया x स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगेन इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, x स्क्वायर x क्यूब से जब आप इसको करोगे सेपरेट डिवाइड, तो 1 अपॉन x क्यूब तो आ गया x की पावर -3, और ये आ गया प्लस के x, हां या ना, और अपॉन में क्या आ गया x की पावर -2 माइनस, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे शायद, इसका जब आप करोगे डिफरेंशिएशन तो यही आ रहा है, x की पावर -2 का -2x की पावर -3 और -2x, तो -2 कॉमन होगा तो ये इसका क्या जाएगा डिफरेंशिएशन, तो क्या करें अपन इस पार्ट को t स्क्वायर लेट कर देते हैं, तो इससे स्क्वायर घट जाएगा सीधा, तो x की पावर -2 माइनस x स्क्वायर को t लेट करोगे तो क्या आ गया -2 तो कॉमन, x की पावर -3 प्लस x dx चला जाएगा बच्चों, इसको t स्क्वायर लेट कर दो तो 2t dt में, ये लो 2 भी आपका कैंसिल है, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x क्यूब x dx तो चला गया माइनस a t dt अपॉन t स्क्वायर की पावर 3/2 t क्यूब, तो t क्यूब से 1 2 कैंसिल करोगे तो t स्क्वायर आ गया, और 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन t, तो ये जाएगा 1/t + c। t की वैल्यू किधर है, t की वैल्यू इस पार्ट इसमें पुट कर दो तो क्या जाएगा 1 अपॉन
अंडर रूट ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स। अब इसने लिखा है एफ एक्स एफ ऑफ जीरो जीरो आ रहा है ना, एफ ऑफ जीरो जीरो, तो एक काम करो पहले इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा ऊपर तो आ जाएगा एक्स और अपॉन में जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स की पावर फोर, आ गया ना ये, तो एफ ऑफ जीरो जीरो आ गया। ठीक है चलो भाई लॉजिकली तो होगा क्या, जब आप इसका रूट लोगे तो प्लस माइनस आता है, ठीक है ना। तो अभी अपन को एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो बोली गई है, तो लेने को तो अपन दोनों भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो लेते कोई बात नहीं। ये आपका फंक्शन आ गया fx। अब fx आने के बाद fx का अगेन इंटीग्रेशन करो तो वो आपका gx होगा। तो चलो इंटीग्रेशन fx dx को gx मानना है, तो ये क्या जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ fx क्या लिखोगे प्लस माइनस x रूट वन माइनस x स्क्वायर का मीनिंग है x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब आप देखो x स्क्वायर को t मानोगे x dx तो चला जाएगा dt में और वन अपॉन रूट वन माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t हो जाएगा, क्या जाएगा साइन इनवर्स t, तो ये जाएगा प्लस माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन जाएगा। फिर अगेन प्लस c2 दे दिया तो g2 आपका जीरो है, तो ठीक है g2 जीरो लेने पे जीरो हो जाएगा और क्या है, ठीक है ना। तो अपना gx फंक्शन क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग 1 by 2 sin inverse x square, तो x को 1 by 2 लोगे तो sin 1 by 2 की वैल्यू pi by 6, तो क्या जाएगा pi by 12, तो देन आपकी k की वैल्यू क्या फिल करनी है आपको 12 आंसर्स का फिल करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक फंक्शन गिवन है fx, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच fx हैज एग्जैक्टली सेवन क्रिटिकल पॉइंट्स, fx की ओनली सेवन क्रिटिकल पॉइंट्स हो तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे अपन डायग्राम से, क्योंकि मोड के डायग्राम को बनाने से जितने नंबर ऑफ क्या होंगे शार्प कॉर्नर, उन शार्प कॉर्नर पे क्या होगा फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो देखो डायग्राम करते हैं अंदर से बनाना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करोगे x माइनस टू के मोड का डायग्राम ऐसे होगा, ये 2 कोमा 0 है और 0 पे 0 कोमा 2 होगा। अब इसमें से आप माइनस 5 कम करोगे तो इसको माइनस 5 से डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो, ले लो तो क्या होगा 0 पे 2 है ना, तो फिर 2 पे क्या बन जाएगा माइनस 5 और 0 पे 2 है, सॉरी 2 पे 0 आ रहा है तो बाद में 2 पे माइनस 5 बन जाएगा, ये 0 पे 2 है और माइनस 5 करोगे तो माइनस 3 पे जाएगा, मतलब इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। अब ये चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो, ये दोबारा 0 कब आएगा ये वाला पार्ट, जब आप x को 7 लोगे 7 माइनस 2 तो ये तो आ गया 7, ये 0 कब आएगा जब माइनस के 3 लोगे, ये लो बना दो क्या है, ये आ गया आपका इसका, और इसका वंस अगेन मोड लेना है आपको तो इसका, अरे सिंपल क्वेश्चन है इजीली कर सकते हो डायग्राम की हेल्प से, तो इसका जब आप अगेन मोड लोगे तो देखो कैसे बनेगा u, ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे, ये आपका माइनस थ्री है, ये आपका टू है और ये टू पे वैल्यू मोड़ लेने पे क्या बन जाएगी फाइव और ये आपका सेवन कोमा। अब इसके बाद थोड़ा अपन को सोचना है, अब इसको माइनस ए का मोड, माइनस ए करना है फिर उसका अगेन मोड लेना है और इस तरीके से शिफ्ट करो डाउनवर्ड, अगेन मोड लेने पर टोटल ओनली सेवन पॉइंटों पे फंक्शन क्या आना चाहिए नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखो इसी में थोड़ा आपको सोचना है, तो देखो थोड़ा एक बार समझने की ट्राई करना, आपको ये पता चल गया कि अभी तो थ्री पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, मेरे को ज्यादा लाना है तो पहले डायग्राम को नीचे शिफ्ट करोगे फिर मोड़ लोगे, उसी केस में ये नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट आपके इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो रफली क्या करो, आपने ये फाइव है ना, इसका आउटपुट अभी 5 है मैक्सिमम, ये पॉइंट 5 है ना, इसमें माइनस ए करना है तो ए की कुछ पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, अगर ए को आप 5 पुट किया, ए को 5 लोगे, ए को 5 लोगे तो 5 से आपने कम, अरे माइनस ए करना है इसमें, तो माइनस ए का मीनिंग इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, तो ए अगर आपका 5 होगा तो 0 बन जाएगा ना, तो उस केस में तो क्या होगा ये 0 आ गया
तो डायग्राम नीचे भाग जाएगा यू। तो अभी भी कितने पॉइंट है इसके, 1, 2 और 3, तो इस सॉरी 3 और मोड़ लोगे तो अभी भी सेम ही आंसर आएगा, मतलब ये फिक्स हो गया। ए को आप 5 को ले नहीं सकते, ए अगर एग्जैक्ट 5 आ गया मतलब 5 आपने कम कर दिया तो ये पॉइंट आपका इस जगह आ जाएगा, मतलब इस जगह आने का मतलब डायग्राम ऐसे बन जाएगा ये। तो इसका जब आप मोड़ लोगे तो एक पॉइंट ये होगा, एक ये, और एक, ओनली 3 पॉइंट्स आपके होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ए को 5 से थोड़ा ग्रेटर ही लेना है, ठीक है ना, थोड़ा लेस लेना है, क्या लेना है, थोड़ा लेस। उसके बाद देखो ए की वैल्यू 0 लोगे आप तो 0 पे तो एजिटिज है, 0 से कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे, 0 से जस्ट बढ़ा लोगे आप, तो 0 से जस्ट बढ़ा लोगे इसका मतलब थोड़ा सा नीचे जाएगा ना, मामूली से इसको नीचे शिफ्ट करोगे। जैसे लेट आपने समझाने के लिए मैंने इसको 1 ले लिया, तो 1 से डायग्राम को जब नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे देखो अब डायग्राम कैसा रहा होगा, 1 से शिफ्ट करोगे तो देखो ये 3 है, -3 ये 7 है आपका और ये 2 है, तो डायग्राम पहले थोड़ा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा 4 पे आ गया और ये थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है। अब देखो ये आने के बाद जब आप इसका वंस अगेन मोड़ लेते हो, क्या लेते हो, मोड़, तो मोड़ लेने में क्या होगा देखो ये ऐसे बन जाएगा, तो कितने पॉइंट्स आएंगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि अरे 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 7 आंसर है कि नहीं बताओ, ठीक है। मतलब होगा क्या, ये पॉइंट आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आके जब दोबारा मोड़ लोगे तो ये 3 पॉइंटों पे क्या, देखो ना ये पॉइंट अभी आपका ऐसे है, इसको थोड़ा सा नीचे लाओ आप और इसका अगेन मोड़ लोगे तो ऐसे बन गया, तो कितने पॉइंट बना दिए, 3, और 3 ही पॉइंट आपके इससे बन जाएंगे जब थोड़ा सा नीचे लोगे मोड़ लेने पे। और इसको आइडेंटिटी रखना है, इसका मीनिंग क्या होगा कि ए की मिनिमम वैल्यू तो 0 लोगे, 0 से थोड़ा सा ग्रेटर लोगे आप तो ये मामूली से शिफ्ट होगा, तो उस केस में 7 पॉइंट है, और ए को मैक्सिमम आप 5 ले सकते हो, 5 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 5 को अगर इंक्लूड करोगे तो अगेन आपके 3 पॉइंट्स ही आने वाले, हमको तो एग्जैक्टली 7 लेके आने वाले हैं। तो ए जब आपका 0 से 5 के बिटवीन होगा तो उस केस में इस डायग्राम के टोटल 7 पॉइंटों पे क्या होगा, शार्प कॉर्नर पर टोटल 7 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आपके लाई करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ दैट बिगिंस एट पॉइंट टू कॉमा है, मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ बतानी है जो एक पॉइंट आपका 2.5 से स्टार्ट होता है, एक पाथ 2.5 से स्टार्ट होगा, टच द एक्स एक्सिस एंड एंड एट पॉइंट ऑन द सर्कल, और इस सर्कल पे जाके वो एंड हो जाता है, तो बताओ उस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या होगी। तो देखो ये जो सर्कल है इसका सेंटर देखना कितना आ रहा है, -6.10, और इसकी रेडियस लिख लेते कितनी आ रही है, 3600, जी स्क्वायर फाइव का माइनस सी 120, आर कितना आ रहा देखना रे 136, 16, 4 आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर्किल, तो रेडियस 4 है तो कंप्लीटली सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। देखो ये सर्किल आपको ऐसे गिवन है, ये इसका सेंटर है, अब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट गिवन है 2.5, बात को केयरफुली देखना, ये लेट आपका पॉइंट पी है, ये सर्किल का सेंटर आपका सी है। अब एक रे बोल सकते हो कि वो पॉइंट पी से स्टार्ट होती है, एक्स एक्सिस से टच होने के बाद वो ऐसे आगे निकल जाती है, मतलब वो सर्किल पे एंड होती है। तो एक बार बताओ मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या होगा, ये जो रे आपकी इधर जाएगी भाई, ये पाथ तो चलो जो भी वो देख लेते हैं बाद में, ये पाथ तो शॉर्टेस्ट लाने के लिए इधर भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा बाद में। इस पॉइंट ए से जब आप इसको आगे मूव करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो ये जो पॉइंट है आपका लेट बी, तो पी ए पी वी डिस्टेंस आपको क्या लानी है, मिनिमम बोला ना, पॉइंट पी से एक रे बिगिंस होती है, एक्स एक्सिस से टच करवाना है, आफ्टर दैट वो एंड करनी है आपको सर्किल पे, तो सर्किल पे ऐसे पॉइंट पे एंड करो जहां डिस्टेंस का हो मिनिमम, तो आपको क्या लाना है, पी ए प्लस ए बी की वैल्यू लेके आनी है मिनिमम। तो देखो इसके लिए क्या बेटर ऑप्शन है,
आप इस पॉइंट पी का लो इमेज एक्स एक्सिस में, तो पॉइंट पी की इमेज लोगे एक्स एक्सिस में तो देखो, और बाद में इसको जॉइन करोगे देखो, अगर ये इमेज है तो ये दोनों लेंस सेम है, एंगल 90 है ना, तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब जो एपी डिस्टेंस है वो क्या होगी, एपी डैश की इक्विवेलेंट होगी, तो क्या जाएगा पी ए डैश प्लस ए बी, तो ये इसकी मिनिमम लेंथ होगी ना। हाँ यार मेरी बात समझे, ये डिस्टेंस आपको मिनिमम लेके आनी है, तो एपी है, तो इस पॉइंट पी का जब आप रिफ्लेक्शन लोगे तो पी डैश इधर आ गया, और देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, तो इस पॉइंट ए को ज्वाइन करोगे तो इसी पॉइंट पे जाके मीट करेगा, मतलब एपी और एपी डैश डिस्टेंस इक्वल है, तो पी ए को मैं एपी डैश लिख सकता हूँ, तो देखो पी ए और एपी, ये लाइन ध्यान रखना इस पे, इसके एकदम ऐसे स्ट्रेट तो ठीक है, तो सिंपल आपको क्या बताना है, बीपी डैश, और बीपी डैश क्या होगा, सीपी डैश माइनस रेडियस, तो ये पॉइंट कितना होगा माइनस सॉरी 2, -k5, तो क्या करना है इस पी डैश की आप सेंटर से डिस्टेंस करो फाइंड आउट, तो पॉइंट सी तो या -k6, 10 और पॉइंट पी डैश है आपका 2, -k5, तो सीपी डिस्टेंस क्या होगी देखो अंडर रूट ऑफ -6, -8, -2, -8, 64 प्लस 15, 225, तो ये कितना जाएगा 289, और 289 किसका रूट होगा 17 का, ये लो, तो सीपी डैश डिस्टेंस आपकी 17 है और रेडियस 4 है, तो 17 में से 4 सेपरेट करोगे तो कितना जाएगा 30, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या होगी 30, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। चलो अब देखो इसका एक ऑप्शन और है मेरे पास, आप समझ सकते हो चाहो तो, देखो आपको करना क्या है, एक बात बताओ आपको इस डिस्टेंस को मिनिमम लेके आना है, तो मैं अगर इस पॉइंट को सेंटर से जॉइन कर देता हूं, तो जब ये डिस्टेंस मिनिमम है तो ये डिस्टेंस तो फिक्स है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस भी टोटल मिनिमम होगी, तो अपन एक काम करते हैं पी ए और ए सी को कर देते हैं मिनिमम, इसकी मिनी वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको रेडियस से माइनस कर देते तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको पी ए और ए बी को मिनिमम करना है, तो मैंने क्या बोला आपको ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो आप ए पी और ए सी को मिनिमम करो और बाद में रेडियस कम कर दो, तो सेम आंसर आएगा ना। तो देखो एक ट्राइंगल लेट करते हैं अपन, ये वाला तो लिख सकते हो ना, डेल्टा ए पी सी में सम ऑफ टू साइड, तो ए पी प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू पी सी, अरे सही है ना, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो मैं टू साइड कौन सी लेट की, पी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन पी सी, तो बताओ ए पी प्लस ए सी की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, पी सी होगी ना, तो पी सी की लेंथ आप कर सकते हो फाइंड आउट, और वो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप अगेन फाइंड आउट कर देना, उससे आंसर जाएगा आपका, ठीक है, ये बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, ये सिंपल सी बात है, ये आपको मिनिमम लेके आना है, तो पी सी की मिनिमम आ सकता है, तो इसके मिनिमम होने का मीनिंग क्या है, P, A, C, R कोलिनियर, तो पी ए सी आपके कोलिनियर को हो सकते हैं, जब पॉइंट P आपका इस सी ए सेगमेंट पे लाई करना चाहिए, इसका मतलब इसकी इमेज आपको लेनी है, ठीक है, तो ये थ्योरी जो निकल के ये वाली वो इसी चीज से बताई गई है, इसको इनइक्वलिटी से सोच सकते हैं, ठीक है, इसको मिनिमम लेके आना है आपको, तो मिनिमम कब होगा, इसको पी सी लिखना नहीं, समझने के लिए बताया मैंने आपको केवल कि AP प्लस AC की वैल्यू मिनिमम PC कब हो सकती है, जब आप क्या बोलोगे कि A, P, CR कोलिनियर है, तो इसका मतलब पॉइंट P की आपको इमेज लोगे तो वो P डैश आ जाएगा, ठीक है, और वो आने के बाद जब P डैश आ गया तो PC की डिस्टेंस में से रेडियस को सेपरेट करना, ठीक है, चलो तो इसका आंसर फिल करना आपको 30, ठीक है, और उसके बाद अब इसका लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक रिलेशन गिवन है 9 + f(x) + f(x) + x² = f²x, वेयर fx आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट f(x) आपका नॉन जीरो है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की ऑल वैल्यू के लिए f(x) को जीरो को भी नहीं लेना है, एंड लेट p इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, पॉइंट पी आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट व्हिच कैन बी ड्रॉन पी टू द सर्कल दिस पार्ट। मतलब आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पी से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, और पॉइंट पी क्या लाइज ऑन दिस कर्व। देखो ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन में बात बोली गई है कि जो एट एक्स इक्वल टू पी पॉइंट है वो क्या लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर ये पॉइंट पी लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट पी पे एफ डैश पी तो आपका जीरो रहा होगा, मतलब इस पॉइंट पी पे बात चल रही है, अपन को इस कर्व को पॉइंट पी से मतलब है, तो इस पे एफ डैश जीरो रहा होगा। अगर पॉइंट पी पे लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमा का मतलब उस पॉइंट पे डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव रहा होगा। हाँ यार, डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव होगा। यस सर, तो एक काम करें, जो अपना एक कर्व गिवन है इसमें एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर दो बस, तो क्या जाएगा 9 प्लस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स। भाई आपको पता है अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं आप पूछ सकते हो, एक काम करें अपन एफ एक्स को वाई मान लेते, तो क्या गया एक्स इसका वाई इसका लेस देन 9। इसका मीनिंग देखो, अपने क्वेश्चन में जो सर्किल गिवन है वो तो ये है 9 वाला, और ये जो पॉइंट पी है वो क्या है 3 से कम रेडियस वाले सर्किल पे लाई करता है, तो 3 से लेस रेडियस वाला सर्किल इसके अंदर होगा, मतलब पॉइंट पी आपका अंदर इस पे लाई करता है। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन में कर्व गिवन है इस पे जो पॉइंट पी लाई करेगा वो पॉइंट पी क्या है, इस कर्व का लोकस भी एक सर्कल है बट वो सर्कल है उसकी रेडियस आपकी 3 से लेस है, और जो गिवन सर्कल है इसकी रेडियस 3 है, तो इसका मतलब पॉइंट पी आपका इस गिवन सर्कल के इनसाइड होगा, तो देन वी कैन नॉट ड्रॉ दी एनी टेंजेंट। तो इसने ये पूछा गया कि कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका आंसर 0 फिल करना है, क्योंकि पॉइंट पी लाइज ऑन दी इनसाइड दी सर्कल, तो उससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो ठीक है बेटा, थैंक यू।